हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं राघव मास्टर टीचर एट वेदांतो आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ थ्रीज़ में जिसमें हम आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले तो मैं इसके बारे में बात करता हूं उससे भी पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगा अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो बच्चों ये बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है क्लास नाइन्थ में ये चैप्टर पहली बार आता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से होगा ये क्लास नाइन्थ में इसमें बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एटम कैसे बना उसके क्या क्या मॉडल हैं मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल की देन रदरफोर्ड मॉडल की फिर देन मॉडल भी फेल हो गया था तो क्लास नाइन्थ में एक हल्का साइडिया है बोहर एटॉमिक मॉडल की और क्लास में इसकी डिटेल है तो बच्चों चैप्टर अपने आप में हिस्ट्री से रिच है और डिस्कवरी से भी रिच है मीन इसमें बड़े बड़े अचीवमेंट मेन्शन है चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका नीट में क्या वेटेज रहना है और नीट में इसकी कितनी वैल्यू रहनी है बच्चों अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर से तो नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है वैसे ज्यादातर दो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं दो क्वेश्चन इससे आते हैं कई बार इससे तीन भी बन सकते हैं तो आप मान के चलो दो क्वेश्चन एट मार्क्स अगर मैं वेटेज की बात करूं तो दो क्वेश्चन वन क्वेश्चन का वेटेज हो जाता है हमारे पास टू परसेंट फोर परसेंट इसका वेटेज हो गया सोच लीजिए कितना अच्छा वेटेज है तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं अगर हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं तो आज हम सबसे पहले एक बेसिक से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे इसमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी देन, देन हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल मतलब हमें यह पता चलेगा एक्चुअल में अब एटम कैसा है मतलब बोर के हिसाब से फिर देन हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है जंप कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है या रेडिएट कर रहा है इन सब के बारे में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में पढ़ेंगे फिर नेचर नेचर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल के नेचर भाई वो वेव है या फिर हमारे पास पार्टिकल नेचर है तो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि वो वेव की तरह बिहेव करेगा या पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा फिर आता है एक रिवोल्यूशनी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसके अंदर जो स्टेटमेंट बोर एटॉमिक मॉडल को फेल कर देता है तो यहां पर हमारे पास बोल देखते हैं हम हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें एक बहुत बड़े स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे चलिए जब आएगा तो तभी बात करेंगे हम इसके लिए फिर आता है क्वांटम नंबर बेसिकली हम इसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समराइज करते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है और एटम एक्चुअल में किस तरीके से देखा जा रहा है इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे फिर एक लास्ट टॉपिक आता है नोट्स बच्चों अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने स्किप कर दिए बच्चों मैंने प्रीवियस अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी इयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद 95% से ज्यादा क्वेश्चन जिस एरिया से पूछे जाने हैं मैंने उन एरिया को पिक कर लिया है इट मींस अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो 95 चांस है कि आपके क्वेश्चंस इसी एरिया से आएंगे तो बाकी एरिया ठीक है पढ़ लेंगे बट अगर हमें एज ए रिविजन करना है एज ए हमें चीजें सीखनी है अगर हमारे 95 परसेंट मार्क्स इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं 95 परसेंट अगर हम इस एरिया को पढ़ के स्कोर कर ले तो क्या बुराई है क्या दिक्कत है है ना तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस बेहतरीन और एक अच्छे से चैप्टर एक मस्त चैप्टर के लिए हम आगे बढ़ते हैं चलिए बच्चे तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है प्लांक क्वांटम थ्योरी प्लांक्स ने भाई सब उस समय मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था जो लाइट हमारे पास आती है वो एक वेव नेचर रखती है और वो वेव नेचर को प्रूव भी करते हैं हमारे पास वो वेव नेचर को प्रूव भी करते हैं और उस समय उनका नाम बहुत बड़ा था बट उसी समय हमारे पास प्लांक्स प्लांक्स नाम के एक साइंटिस्ट आए उन्होंने एक थ्योरी दी उन्होंने ये बोला कि नहीं लाइट जो आती है वो लाइट पैकेट्स में आती है मतलब वेव नेचर लाइट का मैक्सवेल ने बता दिया था पर लाइट का पार्टिकल नेचर हमें प्लांक्स ने बताया था अब आप कहोगे कि सर इसका हम क्या करें तो इसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या एक इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मुला मिलता है जिसका यूज करते हुए हमें आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्लांट अकॉर्डिंग टू प्लांट्स हमारे पास जो लाइट है वो पैकेट्स में आती है और वो पैकेट्स क्या कहलाते हैं छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं वो पैकेट्स कहलाते हैं क्वांटम या क्वांटा उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा मतलब ऐसा समझ लो जैसे कि मार्केट में मिल्क जो आता है जैसे कंपनी ये पैक्ड मिल्क आते हैं हमारे पास जो मिल्क आता है वो पैकेट्स में आता है अगर आपको मार्केट से जाके लेकर आना है कि भाई दुकान से जाके लेकर आना है कि भैया थ्री हंड्रेड एम मिल्क दे दीजिए क्या ये आप पॉसिबल है क्योंकि मिल्क का जो स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट पैकेट हमें मिल रहा है वो मार्केट में फाइव हंड्रेड का है जनरल तौर तो पे बात कर रहा हूं कभी कोई बच्चा कमेंट में लिखेगा सर हमारे यहां तो 200 सौ का भी मिलता है, Means, जो भी का है Means, एक में आया, आपको लेना है तो पूरा लीजिए वरना मत लीजिए ऐसा कुछ यहां पर स्टोरी रहेगी तो उस पैकेट की जो एनर्जी है प्लांट्स ने बताया उस पैकेट की जो एनर्जी रहेगी वो हमारे पास एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ वन क्वांटा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू वे आर न्यू इज अर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी सो ई इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मुला क्या हो जाएगा अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को प्रोपोशनल प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं एच न्यू वेयर एच क्या हो गया हमारे पास बाउट एच हो जाएगा प्लांक्स कॉन्स्टेंट एच हमारे पास क्या हो जाएगा प्लांक्स कॉन्स्टेंट एंड प्लांक्स कॉन्स्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांग कांस्टेंट की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी फोर और इसका यूनिट होता है जूल न्यू तो आप सब लोग ही हैं कि न्यू क्या होता है न्यू हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी न्यू हमारे पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अच्छा यह फॉर्मूला हमारे पास न्यू के टर्म्स में आ गया है अगर इस फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूं e इज इक्वल टू हम जानते हैं वी नो एच इन टू सी अपॉन वेयर सी क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट एंड लैमडा क्या हो जाएगा वेवलेंथ ये तो एनर्जी ऑफ वन पैकेट हो गई या एनर्जी ऑफ वन क्वांटा हो गई अगर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एन क्वांटा एनर्जी ऑफ एन क्वांटा तो E इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा n इंटू एच नक्वल टू एन इन एच सी अपॉनडा वेयर एन इज द नंबर ऑफ क्वांटा या नंबर ऑफ पैकेट इट कोई लाइट आ रही है हमारे पास और वो एन पैकेट हमें ट्रांसफर कर रही है तो टोटल तो एनर्जी क्या वन पैकेट की एनर्जी इन मल्टीप्लाई बाय एन वही तो करा है वन पैकेट की एनर्जी में मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा उम्मीद करता हूं यह फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अगर आप इसमें एनर्जी का यूनिट निकालें तो एनर्जी का यूनिट हमारे पास आता है जूल यहां पे एनर्जी का यूनिट निकल के आएगा यूनिट यहां पे एनर्जी का क्या निकल के आएगा अगर आप एच की वैल्यू और न्यू की वैल्यू पुट करते हैं स्टैंडर्ड एस यूनिट में तो एनर्जी का वैल्यू यूनिट निकल के आएगा जूल बच्चों हमारे पास related, कई बार क्या होता है कि हमारे को डील करना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डील करना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मुला निकल के आता है E इज इक्वल टू हम बोलते हैं इज इक्वल टू वन टू फोर जीरो अपॉन लेमडा एंड लेमडा हमें पुट करना होगा नैनोमीटर में इसकी वजह से जो आंसर निकल के आएगा वो इलेक्ट्रॉन अगर आपको हमारे को एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमारे पास एक फॉर्मुला आता है ई इज इक्वल टू वन टू फोर जीरो अपॉन लेमडा यह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने यहां पर पुट करी है इससे क्या होगा बस आपको कुछ नहीं करना इसमें लेमडा आपको नैनोमीटर में पुट करना है अगर आप नैनोमीटर में पुट करते हैं तो आपके पास जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा और वो आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा ठीक है आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा जाता है yes, definitely पूछा जाता है Even एक एक बार बार नहीं हर तीन चार साल में एक बार इसका related question रिलीट हो, repeat होता हुआ मैंने देखा है तो अगर हम देखते हैं एक क्वेश्चन जैसे कि अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो नेट दहली ये नेट दहली नहीं है ये न्यू दहली है भाई साहब न्यू दहली ब्रॉडकास्ट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ थ्री सिक्स जीरो सिक्स एट किलो हर्ट्स वन थ्री सिक्स एट किलो हर्ट्स चलिए एक हमारे पास फ्रिक्वेंसी का इतने फ्रिक्वेंसी से एक ऑल इंडिया रेडियो जो है वो वेवलेंथ पास कर रहा है मीन रेडिएशन पास कर रहा है ब्रॉडकास्ट कर रहा है कुछ मैसेज या कुछ एंटरटेनमेंट या फिर कुछ गाने या जो भी ये मतलब ब्रॉडकास्ट कर रहा है ठीक है ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी पे आपके ब्रॉडकास्ट कर रहा है द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज भाई कुल मिला के अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों अगर याद करें हम उस चीज को तो एक फॉर्मूला अभी मैंने अभी आपको साइड में बताया था कि अभी मैंने आपको बताया था ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा भाई मैंने यहां से यहां फॉर्मुले में जाने में क्या करा था यहां से यहां जाने पर मैंने न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा यही तो पुट किया था सी अपॉन लेमडा तो यानी कि हमारे पास न्यू की वैल्यू गिवन है तो कैन आई राइट लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू तो बेटा लैमडा की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है अच्छा सी की वैल्यू आप हम सब लोग जानते हैं ये होती है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड अच्छा न्यू की वैल्यू हमारे पास किलो हर्ट्स में गिवन है किलो हर्ट्स यानी कि मेरे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वन थ्री सिक्स एट अगर मैं इसे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हर्ट्स में कन्वर्ट हो गया और हर्ट्स में कन्वर्ट होने के बाद इसे मैंने क्या करना है हर्ट्स क्या होता है पर सेकेंड होता है तो यानी एक यूनिट आ गया सेकेंड ऊपर तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा अब मुझे इसे सॉल्व करना है अगर मैं इसे लिखता हूं थ्री इन टू टेन की पावर अपॉन वन थ्री सिक्स एट इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकल के आती है मीटर में आएगी और वो वैल्यू लगभग लगभग हमारे पास आएगी टू वन नाइन पॉइंट थ्री मीटर तो आंसर हमारे पास आता है टू वन नाइन पॉइंट थ्री मीटर अब आपको इसे डिवाइड करना है बस तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा सी देख लो कितना बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है बट इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर मैंने देखा हुआ है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी कैलकुलेशन छुपी रहती है आपको बस वो कैलकुलेशन तक पहुंचना है

आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं अगर हम आगे बढ़ते हैं चलो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट मतलब एक बेसिक सी चीज थी ये हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों अब हम आते हैं थोड़ा सा एटॉमिक मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं देखो बच्चों सबसे पहले जो मॉडल आया था एटॉमिक वो आया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या बताता है प्लम पुडिंग मॉडल की वॉटर मिलन मॉडल की हमारे पास जो एटम है वो एक मतलब एक वाटर मिलन या प्लम पुडिंग की तरह है कि एक पूरा एरिया हमारे पास एटम है उसमें बीच बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है और जैसे वाटर मिलन में रेडिश पार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है कुल मिलाकर एटम न्यूट्रल है इसमें इस मॉडल से ये अचीवमेंट मिला फिर रदरफोर्ड भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया उन्होंने बोला नहीं थॉमसन मॉडल कुछ तो गलत है तो उन्होंने अपना मॉडल दिया उन्होंने बताया कि एटम जो है उसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है टाइनी होते हैं है, है। बट रेदर पोर्ड यह नहीं बता पाया उस टाइम पर कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं अगर वो मतलब एक्सलरेट कर रहे हैं वो चारों तरफ को कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी वो चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करना चाहिए और एनर्जी रेडिएट करते करते वो न्यूक्लियस से कोलैप्स हो जाना चाहिए। ऐसा मैक्सवेल ने बोला कि अगर थ्योरी को हम सही माने तो ये ऐसा होना चाहिए रदरपोड इस चीज का आंसर नहीं कर पाए कि बात तो उन्हें भी सही लगी कि नहीं भैया ये बात तो सही है बट ऐसा हो नहीं रहा है मतलब थ्योरी के हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए कि वो कोलैप्स कर जाना चाहिए बट नेचर में एटम तो एग्जिस्ट करता ही है अगर वो कोलैप्स कर जाता तो एटम का एग्जिस्टेंस नहीं मिलता और एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता तो हम मतलब हम नहीं होते तो वहां पर रदरफोर्ड उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ऐसा नहीं कि रदरफोर्ड गलत थे बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो यहां पर रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो फेल हो गया बेसिकली यही एक मेजर है जो फेल होने का रीजन था छोटे मोटे अलग रीजन भी है उस पे हम अभी बात नहीं करते हमारा मेन रीजन है यही फेल होने का कि वो कोलैप्स कर जा रहा है बट उनको एक्सप्लेन नहीं मतलब कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए फिर इस चीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल यानी कि जो हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए बोहोर वो इस चीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आए तो आइए हम इस चैप्टर को जो आगे फर्दर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बोहर एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करते हैं कि वो भी एटम है क्या चीज ये तो आपके माइंड में कैप्चर हो थोड़ा सा तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो होता है पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल इट इज एप्लीकेबल ओनली फोर इट इज एप्लीकेबल इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या मीन्स आप पहले हाइड्रोजन को समझिए हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन प्लस वन प्रोटोन है मीन्स एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे हर सिस्टम के लिए ये मॉडल अप्लीकेबल होगा जहां पर एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अवेलेबल होगा लाइक मैंने एक एग्जांपल लिखा एच ई प्लस यानी कि इसके पास वन इलेक्ट्रॉन प्लस वन न्यूक्लियस हो जाएगा वन न्यूक्लियस हो जाएगा ठीक है यानी कि हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा भले ही हो उसके पास अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रोटॉन कितने होते हैं दो प्रोटॉन होते हैं बट न्यूक्लियस तो एक ही है ना तो ऐसे हर सिस्टम के लिए जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आता है यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए यह एटॉमिक मॉडल वैलिड है चलिए बात करते हैं हमारे पास इस मॉडल के बारे इस में इस मॉडल में यह बताया कि तो पहला पॉइंट था हमारे पास देखो ऐसा होता है कि अगर न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कहीं पर भी घूम सकता है भाई उसके पास इमेजिनरी हम तो अगर तो अगर कितने भी बना सकते हैं इनफाइनाइट पाथ बना सकते हैं चारों तरफ भाई किसी भी डिस्टेंस पे आप हल्का सा भी डिस्टेंस चेंज करेंगे एक नया पाथ बन जाएगा पर नहीं बोहर ने बताया ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इन इनफाइनाइट पाथ में से उन्हीं कुछ गिने चुने पाथ पर रोटेट करता है तो उन्होंने बोला द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और अ फिक्स रेडियस और एनर्जी मतलब वो पर्टिकुलर कुछ ही पाथ को चूज करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा एंड दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट आप क्लास नाइन्थ में एक वर्ड पढ़ते हैं ऑर्बिट ऑर्बिट यही चीज कहलाता है वो अलाउड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस क्लियर हुआ मतलब इट इज न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिट आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी ठीक है अगर हम आगे बढ़ते हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब इन्होंने हमारे पास क्या बताया इन्होंने हमारे पास बताया एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन इन एन अलाउड एनर्जी स्टेट नॉट रेडिएट एनर्जी वही इन्होंने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं है कि अगर किसी पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा है अभी क्यों नहीं कर रहा है इसको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा बताया उन्होंने मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बट क्यों नहीं कर रहा है इस चीज के बारे में थोड़ी सी देर में आपको बताता हूं पर फिलहाल एक स्टेटमेंट मिल गया ओल्ड कॉन्सेप्ट बोलता था कि अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो धीरे 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 कोलैप्स ब्लास्ट। बट ऐसा नहीं है न्यू थ्योरी इन्होंने बताया नहीं इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है वहीं पर घूमता रहेगा अंटिल और अनलेस हम उसे एनर्जी ना दें या फिर वो एनर्जी बाहर ना निकाले अभी ये, ये एक पोस्टुलेट्स भी है ये एक पोस्टुलेट्स भी है अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यही है थर्ड पोस्टुलेट। एनर्जी चलो एक छोटे से डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं मान लो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर अवेलेबल है वो जंप करके यहां पर पहुंचना चाहता है तो ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी भैया चलो आज हम यहां बैठे हुए हैं यहां घूम रहे हैं मर्जी से चलो ये वाली सड़क क्रॉस करके उधर चले जाए नहीं ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रॉन के साथ वो ऐसा तब करेगा जब हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अगर हम उसे एनर्जी देते हैं तो वो जंप करके यहां आएगा अगर उसे किसी ऑर्बिट में वो घूम रहा है और उसे वहां से नीचे वाले ऑर्बिट में जाना है तो जब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तब तक वो ऐसा नहीं करेगा कुछ क्लियर हुआ मन मर्जी नहीं चल रही है इलेक्ट्रॉन की यहां पर भाई अगर उसे ऊपर या नीचे जाना है तो उसे एनर्जी के साथ डील करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा हमारे पास जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा ठीक है अब हमारे पास एक चीज और आती है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं एक ये टर्म है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल अलाउड होते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज क्वांटाइज एक पॉइंट यह है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वान्टाइज इज क्वानाइज क्वान्टीन्स की भाई हर ऑर्बिट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स रहता है तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है एम वी आर इज इक्वल टू एन इन टू एच अपॉन टू पाई क्वांटाइज का मीनिंग क्या है क्वांटाइज का मीनिंग ये है कि अगर मान लो हमारे पास पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एन की वैल्यू हमने जहां पर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन अगर हम बात करते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन इन एच अपॉन टू पाई तो यहां पर एन जो आ जा रहा है वो वन टू थ्री फोर आप खुद देखो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा तो ऑर्बिटल हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन टू पाई का तो हिसाब से एंगुलर मोमेंटम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा क्वांटाइज का मीन एक फिक्स वैल्यू के हिसाब से बढ़ रहा है ऐसा नहीं कि वन पॉइंट फाइव बढ़ गया ऐसा नहीं कि टू पॉइंट फाइव बढ़ गया इज़ द मीनिंग ऑफ क्वानाइज्ड उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह चीज समझ में आई होगी वट इज द मीनिंग ऑफ क्वानाइज हेयर चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं आपको चार पॉस्टुलेट समझ में आ गए पहला कि केवल फिक्स्ड ऑर्बिट हैं और उन ऑर्बिट में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वान्टाइज रहता है नाव अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा था कि भाई स्पायरल होते होते वो कोलेप्स नहीं हो जाता एंड द नेक्स्ट आता है कि अगर उसे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करनी होगी चलिए हमारे पास जो आपसे मैंने अभी बोला था ना कि एनर्जी ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करके कोलैप्स नहीं हो जाता बोहर एटॉमिक मॉडल ने बताया ऐसा नहीं है एनर्जी ना रेडिएट करता ना वो एब्जॉर्ब करता वो उसी पाथ में घूमता रहेगा जब तक उसको मैं एनर्जी दूंगा नहीं और या फिर उससे एनर्जी निकाल नहीं लेते तो यार ये होता क्यों है ऐसा अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते होंगे

उम्मीद करता हूंगा ये चीज क्लियर हुई होगी इसका कोई काम नहीं है हमारे उसमें इतना कोई इसका डेरिवेशन हमसे पूछता है हमसे एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो ये पूछे जाते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो विलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास टू पॉइंट वन एट इंटू टेन की पावर सिक्स जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास यूनिट हो जाती है वेयर जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट ऐसे इसी तरीके से हमारे पास एक अगला फॉर्मूला आता है दैट इज रेडियस रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रेडियस ऑफ ऑर्बिट की मैं बात करता हूं तो हमारे पास बच्चों ये जो फॉर्मूला निकल के आता है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है आर एन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन फाइव टू नाइन जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू एन स्क्वायर अपॉन जेड जेड और जो यूनिट निकल के आता है यूनिट होता है हमारे पास एंगस्ट्रॉम 0.529 और एन स्क्वायर अपॉन जेड सेम वेयर एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या कहलाएगा वेयर एन इज इक्वल टू नोन एज अगर हम एन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट और जेड इज इक्वल टू एटोमिक नंबर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं तो n इज इक्वल टू अगर वन रख दिया n इज इक्वल टू हमने वन रख दिया तो इसे बोला जाता है ग्राउंड स्टेट क्या बोला जाता है ग्राउंड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट का जो ऑर्बिट है इसे बोला गया ग्राउंड स्टेट यानी ये एन इज इक्वल टू वन रखने पे आर वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू वन स्क्वायर अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन और इसी को बोला जाता है ए नॉट और इसी को बोला जाएगा साथ में बोहर रेडियस रेडियस क्या बोला जाएगा बोहर रेडियस उम्मीद करता हूं आपको यह चीज क्लियर हुई होगी कि बोहर रेडियस क्या कहलाती है हमारे पास कि ए नॉट यानी कि फाइव टू नाइन चलिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बता दिया हमारे पास दिस इज नोन एज ए बोहर रेडियस तो यानी कि आर वन बोहर रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन चलिए इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बनते हैं हमारे पास तो दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ऑर्बिट के अंदर उसके लिए एनर्जी क्या है तो एनर्जी के दो तीन फॉर्मले होते हैं उन दो तीन फॉर्मले में से हम दो फॉर्मले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूं अगर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू टोटल एनर्जीवल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इन टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एंड दूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसी फॉर्मूले को मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो E इज इक्वल टू पहले तो इसे बॉक्स में एड डाल देते हैं E इज इक्वल टू माइनस अगर हम बोलते हैं 2.18 इन टू टेन की पावर माइनस एटीन बाकी बचा हुआ चीज सेम रहेगी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और यूनिट हो जाएगा जूल पर एटम बच्चों अगर मैं यही डेटा पर एटम की बजाय पर मोल निकालना चाहूं पर एटम की जगह मैं पर मोल निकालना चाहूं तो ई इज इक्वल टू माइनस वन थ्री वन टू अप्रोक्सीमेट इंटू टेन की पावर माइनस नहीं नॉट टेन की पावर माइनस दैट शुड बी ओनली वन थ्री इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और यह हो जाएगा किलो जूल पर मोल अच्छा गाइस डिपेंडिंग ऑन योर कैलकुलेशन इसको अब जरूरत के हिसाब से हो तो वन थ्री वन टू लीजिएगा अगर जरूरत के हिसाब से वन थ्री वन थ्री क्योंकि बीच में कहीं वैल्यू आती है इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हम एटम में पर मोल के हिसाब से निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है एक तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर देना है और दूसरा एटम को हमारे पास जो होता है वो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है मतलब एवेगाड्रोन नंबर से सॉरी एवेगाड्रोन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और अगर आप एवोकाड्रोन नंबर से मल्टीप्लाई कर, कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आप कहोगे सर क्या इतने सारे फॉर्मुला याद करें नहीं 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 आप बस पहला फॉर्मूला याद कर लो इंपॉर्टेंट है हो सके तो दूसरा फॉर्मूला याद कर ले उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी तो हमारे पास एक ये चीज हो गया एनर्जी का फॉर्मूला हम हमारे पास एक चीज और फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं बच्चों तो ई वन इज इक्वल टू ई वन यानी एन इज इक्वल टू मैंने वन रख दिया है वन इज इक्वल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर दू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मैं ई टू की बात करता हूं सेकेंड एनर्जी लेवल ई टू हमारे पास इ टू होता है तो हमारे पास इ टू कहलाएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन स्क्वायर अपॉन अब हमारे पास क्या लिखा जाएगा टू का स्क्वायर तो दैट इज़ अ 13.6 माइनस अपॉन फोर वैल्यू आई के अराउंड 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर मैं E3 की बात करता हूं तो इथ्री इज़ इक्वल टू माइनस 13.6 इनटू वन स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इट मींस -13.6 अपॉन 9 वैल्यू आएगी माइनस -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगली आएगी 0.85 ज्यादा याद नहीं करनी है केवल अगर आपने ये तीन याद कर ली तो लगभग हमारा काम चलता रहेगा चलिए थोड़ी सी आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर एनर्जी एंड सो ऑन हम चल सकते हैं अच्छा e इनफाइनाइट की वैल्यू मैं आपसे निकलवाना चाहूंगा इनफाइनाइट में सब अनफाइनाइट लेवल पर पहुंच चुके हैं तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर दैट इज जीरो मींस इनफाइनाइट लेवल पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाती है अब ये ध्यान रखिएगा अगर किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में रहता है मीन्स दो अपोजिट चार्जेस के बीच में एनर्जी जो निकल के आती है वो निगेटिव निकल के आती है जब तक वो दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में हैं। उम्मीद करता है, एनर्जी के बारे में पता चल गया तो बेसिकली मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल में तीन चीजें बताई आपको एक बताया मैंने रेडियस एंड द फॉर्मूला इज़ 2.18 इन टू की पावर नहीं नॉट रेडियस अगर हम बात करते हैं बेसिकली मैंने तीन चीजें बताई बोहर एटॉमिक मॉडल में द फर्स्ट वन इज वेलोसिटी एंड द फॉर्मूला इज 2.18 पॉइंट वन एट टू टेन की पावर सिक्स जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड वन इज रेडियस एंड द फॉर्मूला इज जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एंड द सेकेंड वन इज रेडियस अगर हम बात करते हैं रेडियस की तो रेडियस का फॉर्मुला होता है जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंड यूनिट इज एंग्रॉ एंड थर्ड वन इज द एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट जिसमें भी वो घूम रहा हो इसका फॉर्मूला होता है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स एन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये तीन फॉर्मुले आपको याद करने हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे पास इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द द्लस इन्होंने HE plus की हमें बोहर रेडियस दे रखी है आयन इज इज पिकोमीटर द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ एल आई टू प्लस आयन देखो इसके करने के ना बच्चे दो तरीके हैं या तो आपको रेडियस का फॉर्मूला याद रह जाए पूरा पूरा पिकोमीटर में तो पिकोमीटर में लगा दीजिए अदरवाइज एक अनदर मेथड यह होता है आपको पता है कि जो रेडियस है तो पर हमने क्या बोला आर ऑफ एच ई प्लस अपॉन आर ऑफ सेकेंड हमें किसके बारे में पता लगाना है एल आई टू प्लस इज इक्वल टू अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो यानी कि N ऑफ जो भी है वो एच ई प्लस और N ऑफ एल आई टू प्लस का होल स्क्वायर इन टू जेड भी तो आया है भाई साहब तो Z ऑफ एल आई डिवाइडेड बाई z ऑफ एच ई ये एक साथ आएगा मतलब कुल मिला के अगर आप ये रेशियो वाला मेथड लगाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है आप सेकेंड थिंग रेडियस वाला फॉर्मुला आप अप्लाई करिए पिकोमीटर में कन्वर्ट करिए यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली आप उससे भी मिल जाएगा आंसर चलिए पहले हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं अगर हम इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं तो रेडियस हमें कितनी दे रखी है अगर मैं इसकी हेल्प से सॉल्व करता हूं तो 105.8 पिकोमीटर में दे रखी है हमें रेडियस किसकी निकालनी है आर ऑफ एल आई टू प्लस की निकालनी है दैट इज एन बोहरा ऑर्बिट की दे रखिए सेकेंड यानी कि टू अपॉन और हमें निकालने किसकी है एल आई टू प्लस व रेडियस ऑफ थर्ड थ्री का स्कूल थ्री अपॉन हमारे पास अटोमिक नंबर ऑफ दिस इज टू अगर मैं इसे सॉल्व करूं बच्चों तो वन जीरो फाइव पॉइंट एट पीकोमीटर में है ये आर एल आई टू प्लस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा टू इंटू टू इंटू थ्री डिवाइडेड बाई थ्री इंटू थ्री इंटू टू और ये टू से टू कटा थ्री से थ्री कटेगा हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो इधर की साइड एल आ जाएगा तो आर एल आई टू प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू 105.8 पिकोमीटर। अब देखो आंसर इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आप एक रफ आइडिया लो कि यार हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से तो बेटा 1.5 से जब हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो सोचो इसका आधा लगभग हम इसमें ऐड कर देंगे तो देखो ऑप्शंस को देखोगे सारे ऑप्शन सेम उसमें चल रहे हैं अगर मैं उसका हाफ उसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास निकल के आएगा 1.58.7 पिकोमीटर तो व्हाट इज द राइट आंसर राइट आंसर इज ए सबको समझ में आया क्लियर है बेटा राइट आंसर इज चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं अगले उसके क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ द सेकेंड बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज 3.4 पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी ऑफ द दर्बिट ऑफ एच ई प्लस आयन वुड बी मैं तो कहूंगा कि आप इस वाले केस में दो तरीके अपनाइए अगर आपको कंफ्यूजन आए पहला तो आपको तो डायरेक्ट फॉर्मुला पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात कर रहा है तो E इज इक्वल टू माइनस इन टू जेड स्क्स इन टू दिसेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो यस वर्टीन पॉइंट सिक्स अगर हमारे पास थर्टीन पॉइंट सिक्स है थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वट किसके बारे में पूछ रहा है एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ एच यानी कि टू स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर तो दल टू माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इन टू हो जाएगा मेरे पास आ, ये हो गया हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो फोर अपॉन फोर इंटू फोर कट हो गया तो आंसर निकल के आएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया या नहीं निकल गया माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसमें अच्छा माइनस थर्टीन पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द राइट आंसर इज ए दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसमें अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो मुझे यह पता था अगर मैं बात करूं इन्होंने एनर्जी दे रखी है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ जी भाई साहब एनर्जी अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा माइनस अगर हम एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एन स्क्वायर अपॉन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आप इसके साथ आप इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं बट ठीक है जरूरत नहीं पड़ेगी आप उसी से सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं आगे आता है भाई साहब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं बेटा देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता क्या है पहले तो हम ये बात नहीं पहले स्पेक्ट्रा ही क्या होता है पहले इसके बारे में बात आपने रेनबो तो देखा ही होगा या आपने देखा होगा कि प्रिज्म से हम एक लाइट पास करते हैं तो वो सेवन कलर में ब्रेक हो जाती है तो ये सेवन कलर में ब्रेक होना ही स्पेक्ट्रा कहलाता है किसी भी लाइट का मतलब किसी भी लाइट का नहीं व्हाइट लाइट का सेवन कलर में ब्रेक होना स्पेक्ट्रा मतलब कुल मिला के अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो किसी भी लाइट को उसके कंपोनेंट में ब्रेक करना इज नोन एज ए स्पेक्ट्रा भाई अब हाइड्रोजन भी क्या होता है हाइड्रोजन भी क्या होता है एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है और जंप करने की वजह से वो एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज करता है और रिलीज करने की वजह से क्या होता है अगर मैं उसे प्रिज्म से पास करूं उसे मैं ब्रेक डाउन करूं तो मुझे अलग अलग वेव की लाइट मिलती है तो वही चीज स्पेक्ट्रा कहलाइए तो कुल मिला के हमारे पास जो तो स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन में हमारे पास एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं जैसे एनर्जी लेवल होते हैं इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चलो मैं इसे ना एक काम करता हूं दोबारा से बना देता हूं आप सब लोगों के लिए अगर हम इसकी बात करते हो तो एक डायग्राम हम फिर से बना देते हैं और ये डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनाते हैं दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल दिस इज द सेकेंड एनर्जी लेवल दिस इज द थर्ड एनर्जी लेवल दिस इज द फोर्थ एनर्जी लेवल फिफ्थ एंड सेवन इनफाइनाइट अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे ध्यान से देखेगा अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जंप करके आता है किसी भी जगह से किसी भी प्लेस से अगर हमारे पास पहले ऑर्बिट में जंप करके आएगा यहां पर ऐसे आ गया या ऐसे आ गया या ऐसे आ गया तो इसे बोलेंगे हम लाइमन सीरीज क्या बोलेंगे लाइमन ठीक है इसे बोलेंगे हम लाइमन सीरीज अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से भी जंप करके इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आ तो ये कहलाएगा बालमर फिर अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके थर्ड में आ जाता है ऐसे करके तो लाइमन बालमर पाशन ब्रैकेट फंड ऐसे करके हमारे पास क्या हो जाती है सीरीज आगे बढ़ती रहती है तो हमारे पास जो हमारे पास एन ये इस तरीके से हमारे पास जितनी भी सीरीज मिली है ये सारी की सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर आती है तो इसके लिए ना एक टेबल सा बना लेते हैं अगर हम वो टेबल सा बना लेंगे तो टेबल के थ्रू इसको समझना आसान हो जाएगा तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं हमारे पास नेम ऑफ सीरीज लिखते हैं नेम ऑफ सीरीज यहां पर लिखते हैं एन वन लोअर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल यहां लिखेंगे एन टू हायर एनर्जी लेवल ठीक है और रीजन कि किस रीजन में हमारे पास ये लाइट आ रही है द फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं पहले सीरीज की द फर्स्ट वन इज नोन एज ए लाइमन चलिए अभी इसके बारे में लिखते हैं सेकेंड वन इज नोन एज ए बालमर थर्ड वन इज नोन एज ए पाश्चन ठीक है एंड द फोर्थ वन इज नोन एज ए ब्रैकेट एंड द फिफ्थ वन इज नोन एज फंड फंड मींस अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके पहले ऑर्बिट में आ जाता है एनी वेयर से तो वो कहलाती है लाइमन कहीं से भी जंप करके सेकंड में आ जाता है बालमर कहीं से भी जंप करके थर्ड में, में आ जाएगा ब्रैकेट कहीं से भी जंप करके फिफ्थ में आ जाएगा अच्छा कहां कहां से आ सकता है जंप करके वही हायर एनर्जी लेवल कहलाएगा यानी कि वो टू से आ सकता है वो थ्री से आ सकता है वो फोर से सो ऑन अगर हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट वाले सीरीज की तो वो कहां, -कहां से जम करके आ सकता है बच्चों अगर हम बात करते हैं तो इट कैन कम फ्रॉम थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन अगर हम आगे बात करते हैं तो अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड यानी कि ये फोर्थ थर्ड में लेकर आना है भाई साहब तो उससे हायर एनर्जी लेवल से, ले ले से तो आऊंगा लेकर फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एंड सो ऑन अगर हम बात करते हैं कि भाई फोर्थ वाले इसमें लेकर आना है यानी कि ब्रैकेट में लेकर आना है ब्रैकेट के अंदर वो फॉल करना है तो यानी कि वो फाइव से फॉल कर सकता है सिक्स से कर सकता है सेवन से कर सकता है एट से कर सकता है एंड सो ऑन अगर उसे फाइव पे आना है तो फाइव पर आने के लिए उसे क्या करना होगा सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन अच्छा ये किस किस रीजन में आते हैं अगर रीजन की बात करता हूं तो ये आएगा यूबी में इसकी फर्स्ट फोर लाइन फर्स्ट फोर लाइन इन विजिबल एंड रेस्ट आर इन यूवी एंड रेस्ट आर इन यूवी एंड द रेस्ट आर इन यूवी आपको इसके लिए मैं डायग्राम वापस से पीछे एक बार दिखाता हूं देखो बच्चे यहां पे फर्स्ट फोर लाइन का कलर क्या है रेड ग्रीन ब्लू वायलट याद भी कर लीजिए रेड ग्रीन ब्लू वायलेट ये कलर है हमारे पास इन फर्स्ट फोर लाइंस का बालमर सीरीज में एकमात्र यही सीरीज है जिसमें लाइट जो है इसमें जो रेडिएशन जो है वो विजिबल रीजन में फॉल करते हैं वो भी फर्स्ट फोर इसके अलावा और कोई नहीं करता ओके नाउ नेक्स्ट आता है अगर हम नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेट करिएगा दिस इज फिर IR, फिर IR, बाकी सब बचे हुए आई आर में आपको ऐड कर देना है तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमारे पास कितने टाइप के सीरीज मिलती हैं लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट पुन और इसमें विजिबल रीजन में कौन आता है बाल्मर कौन सी लाइन आती है फर्स्ट चार अगर मैं लाइट की बात करूं लाइंस की बात करूं तो कौन से कलर की होती है रेड ग्रीन ब्लू वायोलेट आपको ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है ये याद रखना है आइए चलिए इससे बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई देखो 2019 का क्वेश्चन है मैक्सिम पीवाई क्यूज पिक करे हुए हैं विच आर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन किस में विजिबल रीजन में फॉल करेगा डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आया हुआ है, या नहीं है? तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर राइट आंसर इज ब्रैकेट सीरीज सॉरी द राइट आंसर इज बालमर सीरीज द राइट आंसर इज बाल्मर सीरीज उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा लाइमन बालमर अभी तो बताया था ठीक है बालमर सीरीज नाउ अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सीरीज की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आइटम जम्प फ्रॉम एन इज इक्वल टू फोर टू एन इज इक्वल टू वन चलो बच्चों ये फॉर्मूला नहीं बताया था नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात करता हूं तो फॉर्मूला हो जाता है एन एन टू माइनस एन वन प्लस वन और एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाई टू चलिए अगर हम यहां पर आंसर निकालते हैं वेयर एन टू इज इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल और एन वन क्या हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल चलिए मैं इस फॉर्मूले से भी करा सकता हूं बट एक फॉर्मूला और थोड़ा सा मैं यहां पर एड ऑन करना चाहूंगा एड ऑन करने पे यह है कि इफ एन वन इज ग्राउंड स्टेट इफ एन वन इज ग्राउंड स्टेट एन वन इज ग्राउंड स्टेट इट मीनस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास वन हो जाएगा बच्चों। अगर एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएंगी दैट इज फॉर्मूला हो गया एन टू माइनस वन प्लस वन और एन टू प्लस वन अच्छा चलिए एन टू माइनस वन फॉर्मूला हमारे पास क्या मिल गया एन टू इन टू एक मिस्टेक अभी और कर दी है बच्चों मैंने ने डिवाइडेड बाय टू तो यानी कि एन टू माइनस एन वन एन टू एन टू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू दैट इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं यहां पर अगर मैं एन की जगह पर केवल मैं एन टू की जगह एन रख दो वट इज अ फॉर्मूला एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और दैट इज इक्वल टू वेयर एन इज एन क्या है वेयर एन इज इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल वेयर एन इज इक्वल टू क्या है हायर एनर्जी लेवल नाउ अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पर अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया एन इन टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू चलिए फोर से वन पर आना है अगर हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन की बात करते हैं तो एन इज इक्वल टू फोर से तो टोटल टोटल लाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर अपॉन फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल टू फोर इन हमारे पास क्या निकल के आएगा फोर इन टू अपॉन डिवाइडेड बाई टू इज अ बाई कितनी लाइन निकल के आई सिक्स चलिए आइए बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी सिक्स लाइन हैं अगर मैं उन सिक्स लाइन की बात करता हूं तो बेटा जैसे फोर से थ्री जाएगा फोर से टू जाएगा फोर से वन जाएगा तीन लाइनें तो हमारे पास ये हो जाएंगी अब तीन पर पहुंचा है तो थ्री से टू भी तो जाएगा फिर टू से वन भी तो जाएगा क्या यहां पर ये लाइन मिली है नहीं इसको ऐसे ना लेकर थ्री से वन भी तो जाएगा अगर वो टू पर पहुंच गया है तो टू से वन पर भी तो जाएगा तो कुल मिलाकर ये छह लाइनें आएंगी फोर से थ्री पर जाने वाला फोर से टू पर जाने वाली फोर से वन पर जाने वाली थ्री से टू पर जाने वाली थ्री से वन पर जाने वाली और टू से वन पर जाने वाली तो कुल मिला के नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन हमारे पास जो आएंगी वो छह आएंगी अगर वो चार से ग्राउंड स्टेट पर पहुंचता है तो चलिए बच्चे अगर हम आगे बढ़ते हैं एक आगे ही आता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिटर्न टू एल शेल अच्छा व्हाट इज एल शेल के एल एम एन एन इज इक्वल टू इसमें बात कर लेते हैं एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एल शेल यानी कि सेकेंड और सेकेंड में आने वाला एनी स्पेक्ट्रल एनी स्पेक्ट्रम लाइन जो भी हमारे पास सेकेंड शेल में वापस लौट के आ रही है चलिए बात कर लेते हैं रिटर्न टू एल शेल फ्रॉम द शेल ऑफ हायर एनर्जी, वी गेट अ सीरीज ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम दिस स्पेक्ट्रम दिस सीरीज इज कॉल्ड चलिए वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए कमेंट में हमारे पास द राइट आंसर वॉट इज द राइट आंसर राइट आंसर इज बालमर भाई बालमर भी तो लौट के आएगी लाइमन बालमर ना अगर हम बात करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे देख लो मैं सारे के सारे के के पिक कर रहा हूं मतलब क्या इंपॉर्टेंट एरिया है उसको पहले मैंने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व करने के बाद क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि जिसको आप कवर अप कर लोगे तो वो 95 परसेंट आपका सिलेबस समझ लो कवर अप हो गया दो चार परसेंट बस बचता बस है वो आप देख ही लेंगे ठीक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चे डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है भाई हमारे पास अगर मैं इस चैप्टर के अंदर बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा कि पार्टिकल हैज ड्यूअल नेचर उस ड्यूअल नेचर के बारे में हम बात करते हैं भाई पार्टिकल कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में है तो उसके पास दो नेचर होते हैं एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है हमारे पास वेव नेचर अच्छा बच्चों अगर हम पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होता है अगर किसी का मास बहुत ही कम है तो उसका वेव नेचर डोमिनेटिंग होता है तो इस बेसिस पर हमारे पास डी ब्रोगली ने एक अपनी थ्योरी दी थी कि भाई ऐसा ये होता है वो दोनों नेचर रखता है हर सब दोनों नेचर रखता है और अगर आप उसका वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हमारे पास उन्होंने ये बताया था वेयर लैमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ एच इज इक्वल टू प्लैक्स कॉन्स्टेंट वेयर पी इज इक्वल टू मोमेंटम अगर मोमेंटम के फॉर्मुले को मैं अगर और बड़े फॉर्म में लिखता हूं तो लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इन वी लिखा जा सकता है एम इंटू वी अब हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी मुझे एक रिलेशनशिप बनाना है काइनेटिक एनर्जी वाला क्योंकि कई बार चांस होते हैं कि उस काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सके वरना तो डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है ठीक है वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर बच्चों अगर मैं दोनों साइड मास का मल्टीप्लाई कर दू एम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं भाई ठीक है मैं इस टू को इधर लेके आता हूं तो टू इंटू काइनेटिक एनर्जी मास तो हम छोड़ गए मास मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम वी का स्क्वायर अब एम वी के स्क्वायर में एम वी की वैल्यू निकालू तो कैन आई राइट टू इन टू एम काइनेटिक एनर्जी चलिए बेटा अगर हम इस फॉर्मुले को इस फॉर्मुले में पुट कर दें इसको किस में पुट करना है इसमें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी यानी कि अंडर रूट एम टू तो मैं भूल ही रहा हूं two into m into kinetic energy हमारे पास एक फॉर्मूला और बन गया है बस ये तीन फॉर्मूले ब्रॉगली वेवलेंथ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक वैसे फॉर्मूला और भी और भी इंपॉर्टेंट है उससे पहुंचने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं हमें ये पढ़ा था जस्ट वेट हमने ये पढ़ा था कि mvr is equal to एच एन इन टू एच अपॉन टू पाई बच्चों ये हमने कहा पढ़ा था अभी हमने पॉस्टुलेट्स पढ़े थे तो जब हमने पॉस्टुलेट्स पढ़े थे तो ये फॉर्मुला पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड हमने पढ़ा था तो जब हमने ये पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है तो देखिए अब इससे हम क्या करने वाले हैं इस फॉर्मूले में मैंने एक काम करा टू पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन एम वी इसे ऐसा कर दिया ओके टू पाई आर इज द रेडियस टू पाई आर तो टू पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू दिस इज अ अमडा कंक्लूजन क्या निकला इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला बेस समझ लो अभी कुछ साल पहले ये दो तीन अभी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा मैं इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा गया है कंक्लूजन क्या निकला कंक्लूजन ये निकला कि मान लेते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में यानी कि एन इज इक्वल टू थ्री में रोटेट हो रहा है एन इज़ इक्वल टू थ्री में रोटेट हो रहा है अगर मैं टू पायर पूरा रेडियस निकालूं तो तीन वेवलेंथ के बराबर होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ दिस एंड द मीनिंग ऑफ़ दिस इज़ कि सपोज इट एक पहला वेवलेंथ दूसरा वेवलेंथ तीसरा ऐसे करके भाई ये हुआ ना देखो यहां से स्टार्ट हुआ एक

उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये चीज चलिए बच्चों अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की हमारे पास क्वेश्चन देखो इन हाइड्रोजन एटम डी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन अ सेकेंड बोहर ऑर्बिट इज इतना हमें वैल्यू की है यार बेटा एक बात बताओ मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि टू पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा तो उन्होंने क्या पूछा हुआ इन द हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट बोहर ऑर्बिट। अच्छा एक बात बताइए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था रेडियस का 0.529 पॉइंट फाइव टू नाइन जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर अपॉन जेड ये था एंगेस्ट्रॉम अगर इसे मैं पिकोमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो ये डेटा इन्होंने भी दिया हुआ है आर इज इक्वल टू हमारे पास फाइव टू पॉइंट नाइन एन स्क्वायर अपॉन जेड और ये कन्वर्ट हो गया पिकोमीटर में अगर मैं आर वन की बात करता हूं तो फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन एटम आर वन की बात करते हैं तो ये हो जाता है फिफ्टी टू पॉइंट नाइन एन स्क्वायर वन वन स्क्वायर अपॉन वन दैट इज इक्वल टू 52.9 और इसी को बोला जाता है ए नॉट यानी कि बोहर रेडियस ये डेटा दे दिया है मैंने फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है पर ये डेटा फिर भी मिला हुआ है चलो अब इन्होंने बोहर रेडियस तो दे दिया है बट उन्होंने पूछा हुआ है क्या है इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट सेकेंड बोहर ऑर्बिट यानी कि सेकेंड उसमें कैसा है तो R2 इज इक्वल टू फाइव टू पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 52.9 52.9 हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 52.9 टू पर अभी इतना ही याद रखिए पीकोमीटर चलिए अब आती है बारी वैल्यू पुट करने की तो 2 इंटू पाई इन टू आर की वैल्यू कितनी आई है सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो दैट इजी टू पॉइंट नाइन इन टू फोर इज इक्वल टू वी आर द सेकेंड टू क्या आ जाएगा फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक रफली आइडिया आपके पास जो मिल जाएगा वो आएगा दो सो ग्यारह पॉइंट छह पॉइंट सिक्स और पाई अवेलेबल है पाई वो पीकोमीटर में। भाई फोर टाइम्स कर रहे हो फिफ्टी है फोर टाइम्स करोगे तो टू हंड्रेड समथिंग होगा ऑलमोस्ट फिफ्टी टू पॉइंट थ्री फिफ्टी प्लस थ्री है तो फिफ्टी का तो फोर टाइम्स करा टू हंड्रेड और थ्री का फोर टाइम्स करा तो ट्वेल्व तो अराउंड दो सौ ग्यारह पॉइंट उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा क्लियर तो बेसिकली ये फॉर्मूला आया कहां से है विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली और बोहर एटॉमिक मॉडल इसलिए उसके पॉस्टूलेट बताने भी वहां पर जरूरी थे चलिए अगर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बताया कि हमारे पास इनका जो स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट ये बोलता है इट इज इंपॉसिबल टू डिटरमाइन साइमटेनियसली द एग्जैक्ट

कि एक ट्रेन ईस्ट की डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी से चल रही है बताओ इतने टाइम के बाद वो कहां पर होगी अगर आपको वेलोसिटी पता है, तो क्या आप पोजीशन बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हो मतलब आपने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करा तो आपको वेलोसिटी और पोजिशन सबके बारे में बात पता चल गया कि भाई हाँ एग्जैक्ट आप प्रिसाइज आंसर कर सकते हो बट जब हाइजेनबर्ग ने इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशंस की बार-बार उसका पता लगाया तो या तो वो वेलोसिटी के लिए अगर पता लगा पा रहे थे तो पोजीशन नहीं पता चल पा रही थी अगर वो पोजीशन का पता लगा पा रहे थे तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ रही थी उन्होंने जितनी बार भी उस चीज को सॉल्व किया तो उन्होंने ये देखा कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है एंड जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई के बराबर थी या तो इतनी थी या इससे ज्यादा थी तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं मैंने बोला डेल्टा एक्स इन अगला फॉर्म क्या आ जाएगा हमारे पास हम इसे लिख सकते हैं एम इन डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एच अपॉन फोर पाई तो डेल्टा एक्स इन टू हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा इट शुड बी डेल्टा पी डेल्टा वी डेल्टा वी तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई एम अच्छा बच्चों एक शॉर्टकट यूज किया जाता है एच कट एक टर्म होता है एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई के बराबर यानी कि इस हिसाब से अगर ऊपर वाले फॉर्मले को कन्वर्ट किया जाए तो डेल्टा इन टू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच कट अपॉन टू और नीचे वाले फॉर्मुले को देखा जाए तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन टू एम ये दोनों फॉर्मूले हो गए हमारे पास जब भी अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन यहीं से आता है तो भाई साहब हैजनबर्ग ने क्या करा ठीक है फॉर्मूला हमें पता चल गया इससे क्वेश्चन आते हैं हेजनबर्ग ने ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया हेजनबर्ग ने बोला नहीं इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहे उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक रीजन में अवेलेबल है जिसको ऑर्बिट बोला गया मींस इलेक्ट्रॉन की हम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन मुझे इस एरिया में मिल जाएगा और यहां पर अवेलेबल होगा इस इस एरिया में हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते वी कैन फाइंड द रीजन मतलब उसने लोकेशन के बारे में डिनाई कर दिया उसने रीजन के बारे में बात करी थोड़ी देर में इसके में बारे में बात करूंगा अभी हम पहले इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं क्योंकि ये इसको ना इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल काम करता है तो चलिए हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अगर हम देखते हैं हम क्वेश्चन रीड करते हैं द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 6.626 10 की पावर माइनस -28 kg इज 1 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इन नैनोमीटर एक्चुअली बच्चों ये नैनोमीटर नहीं है इन मीटर दैट शुड बी इन मीटर चलिए ठीक है अगर ये मीटर और हम इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट जब भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये याद रखो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है उसके डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आप इसे ग्रेटर साइन के साथ नहीं आप इक्वल साइन के साथ पुट करके सॉल्व कर लीजिए इज इक्वल टू एच अपॉन पोर पाई एम

माइनस ट्वेंटी एट ये वैल्यू कट हो जाएगी हमारे पास ये सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स है अब हमारे पास जो तो वैल्यू बची है डेल्टा एक्स अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो टेन की पावर माइनस थर्टी फोर अपॉन फोर पाई इन टू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी एट और टेन की पावर माइनस सिक्स इधर से आएगा तो टेन की पावर माइनस सिक्स तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टेन की पावर मेरे पास क्या हो जाएगा थर्टी फोर से थर्टी फोर कट गया तो राइट आंसर इज वन अपॉन फोर पाई इन मीटर अगर आप सारी वैल्यू एस आई यूनिट में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर भी एस आई यूनिट में निकल कर आएगा तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज डी उम्मीद करता हूं कि आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अब मैं थोड़ी देर में बात करूंगा कि कैसे हम ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वांटम बच्चों हैग ने हमें ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से हटाकर एक नए कॉन्सेप्ट दिया दैट इज अ अन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ अवेलेबल है बट एक फिक्स एनर्जी लेवल पर अवेलेबल है और अगर उसको हम ढूंढते हैं तो ढूंढते टाइम पर जिस रीजन में वो नजर आता है जिस रीजन में वो हमें मिलता है वो रीजन हमारे पास ऑर्बिटल कहलाता है तो यार बोहर एटॉमिक मॉडल ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट होते हैं तो रोटेट कैसे होते हैं आप ये सोच के चलिए रोटेट हो रहे हैं तो कोई ऐसे सर्कुलर ऐसे सर्किल की तरह रोटेट नहीं हो रहे क्योंकि वो वेव नेचर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हुए ऐसे चलता होता है ऐसे है। एक वेव नेचर की तरह ऐसे रोटेट हो रहा होता है मींस अब वो थ्री में सोचना है आपको मींस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉन रोटेट कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है लाइक like ऐसे ऐसे करके चारों तरफ चारों तरफ रोटेट हो रहा है अगर आप किसी एक एटम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ थ्री डी इमेजेस लेते हो थ्री डी इमेजेस लीजिए मिलेगा, एक जगह पर रुका हुआ मिलेगा आपने लिए और उनको मर्ज किया मर्ज करने के बाद हमारे पास एक शेप नजर आती है वो शेप ही ऑर्बिटल कहलाती है उम्मीद करता हूँ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज द क्वांटम नंबर यहीं पर ऑर्बिटल्स की बात आती है दिस इज वेरी 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 आप जितनी बार वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो अगर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की तो द फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास आता है हमारे पास चार क्वांटम नंबर होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकेंड होता है हमारे पास एजी क्वांटम नंबर थर्ड आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फोर्थ आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको एम एल और एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज एम एस और एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चे हैं, हमारे पास जो फर्स्ट तीन है आपने एक इक्वेशन का नाम सुना होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कोई इसे श्रोडिंगर बोलता है कोई इसे स्रोडिंगजर बोलता है तो फिलहाल हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के कांस्टेंट होते हैं जबकि स्पिन क्वांटम नंबर हमें मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यू से मिलता है तो चलिए बाय पहले इन क्वांटम से हमें पता क्या क्या चलता है इसके बारे में बात करते हैं और इसके बारे में बात करने के बाद फिर फाइनली एक कंक्लूजन निकालते हैं तो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल एंड शेल एंड नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ शेल कि कौन से शेल की हम बात कर रहे हैं शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट बात एक ही है यहां पर ऑर्बिट उसी को एनर्जी लेवल में हमने कन्वर्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उसे एक्चुअली एनर्जी लेवल बोलता है बट हम सबको पता है हम नाइन्थ क्लास से पढ़ते हैं साथ में बेसिकली अगर मैं एन की वैल्यू की बात करूं तो एन की वैल्यू वैरी करती है फ्रॉम वन टू इन यानी कि अगर एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर एन सो ऑन चलती है तो नेम ऑफ शेल नेम ऑफ शेल अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है नेम ऑफ शेल इज इक्वल टू आता है के एल एम एन के एल एम एन एन सो ऑन ये भी चार तक हमें जरूरत पड़ती है चार तक से हमारा काम चल जाएगा तो इसने एनर्जी लेवल के बारे में बात करी अगर हम बात करते हैं सेकेंड सेकेंड इज अजयूथल क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज एल So it tells about subshell. It tells about sub shell. It tells about subshell sub and shape of orbitals. And shape of orbitals. ये एक तो सबशेल के बारे में बताएगा और उनकी शेप के बारे में बताएगा तो हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन तक मतलब अगर हमारे पास सपोज़ इट पहले आप इस चीज को धीरे धीरे पेशेंस के साथ सुनते रहिए अभी मैं एक टेबल से बनाऊंगा उस टेबल में हम देखते हैं तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या चलेगी एल की वैल्यू चलेगी जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन अगर नेम ऑफ सब सब शेल नेम ऑफ शेल इसमें जो सब शेल होगी इसे बोला जाता है हमारे पास एल इज इक्वल टू जीरो पर एस इसे पी इसे डी इसे एफ इसे जी यार इन्हीं के अंदर ये जो शेल हैं इन्हीं शेल के अंदर ऑर्बिटल्स सॉरी ये जो सब शेल हैं इन्हीं सब शेल के अंदर ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं अभी थोड़ी देर में मैं ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूंगा अगर हम आगे बढ़ते हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हमारे पास ये हो गई नंबर ऑफ सब शेल के बारे में अगला हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे को ये बताता है इट टेल्स अबाउट द ओरिएटेशन इट टेल्स अबाउट द ओरियंटेशन ऑफ ऑर्बिटल अच्छा बच्चो पीछे एक फॉर्मुला रह गया है ऑर्बिटल एंगुलर मूमेंटम ठीक है यहां पर हमारे पास आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन और ब्रैकेट के बाहर आएगा ब्रैकेट के बाहर आएगा हमारे पास इन टू एच अपॉन टू पाई एच अपॉन टू पाइन याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन पूछा गया है अभी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा चलिए इट टेल्स अबाउट द ओरियंटेशन ऑफ ठीक है ऑफ द ऑर्बिटल्स की किस डायरेक्शन में हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो ओरिएंटेड है वो एक्स में है वाई में है या एक्स वाई में है या जेड डायरेक्शन में है वो इसके बारे में बताता है अगर इसकी वैल्यू की मैं बात करता हूं एम एल एम एल की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम जीरो माइनस एल तक की वैल्यू हमारे पास आई एम uh, एल की वैल्यू अगर हमारे पास सपोजिट आई है एम एल की वैल्यू हमने एल की वैल्यू फॉर एल इज इक्वल टू ऐसे ना करके आप ऐसे करते हैं अगर हम बात करते हैं एल इज इक्वल टू सपोज इट मेरे पास टू है एम तो एल की वैल्यू क्या हो जाएंगे एम एल की वैल्यू माइनस टू से स्टार्ट होंगी माइनस टू जीरो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू कुछ इस तरीके से वैल्यू चलती है आई होप ये वाली वैल्यू समझ में आई होंगी नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भाई यही दो तरीके होते हैं घूमने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इसकी जो वैल्यू निकल के आई है स्पिन की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो निकल के आती है एम एस इज इक्वल टू या तो प्लस हाफ आती है या फिर माइनस हाफ आती है जनरली जो क्लॉक वाइज घूम रहा होता है उसको हम प्लस हाफ बोल देते हैं और जो एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा होता है उसको हम माइनस हाफ बोल देते हैं अब छोटे मोटे नोट लिख लेते हैं अब पहले हम समझते हैं अब हम माइंड सेटअप कैसे करेंगे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैसे क्वांटम नंबर पहले पहले क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इसकी जो वैल्यूज वेरी करती है वो वन से लेके इनफाइनाइट तक जाती है फिर आती है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेके एन माइनस वन तक वेरी करती है और क्वांटम नंबर जो बेसिकली हमें बताता है वो हमारे पास बताता है शेप के बारे में ऑर्बिटल का शेप होगा तो कैसा होगा ठीक है तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कुल ओरिएंटेशन के, के बारे में बताता है और इसकी वैल्यू जो वैरी करती है वो जीरो से लेके प्लस माइनस एल तक वैरी करती है फिर लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा अगर वो क्लॉकवाइज घूमता है तो हमारे पास उसकी जो स्पिन क्वांटम मतलब उसकी स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी या तो वो प्लस हाफ होगी या वो माइनस हाफ होगी तो यार बेटा हमारे पास अब देखो हाउ टू थिंक मतलब कैसे आपको प्रोसीड करना है आप ये मान के चलिए कि हमारे पास शेल है शेल के अंदर सब शेल है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल है and one orbital can have and one orbital can have two electron and one orbital can have maximum of two electron jada better have maximum of two electron maximum of two electron can have maximum of two electron I think ये clear हो गया होगा आपको ठीक है इस तरीके से सोच के चलना है अब थोड़ा सा एक information मैं आपको और बता देता hu कि सब shell में भाई हमारे पास शेल है तो उसमें कितने सब शेल होंगे और सब शेल के बाद उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे तो एक टेबल से बना लेते हैं हमने टेबल बनाई यहां पर मैंने लिखा एन ये मैंने लिखा एल ये मैंने लिखा एम एल और यह मैंने लिखा एम एस यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर इसको मैं ऐसे करके ब्रेक कर ठीक है चलिए अगर हमारे पास पहले शेल के लिए बात कर लेते हैं द फर्स्ट शेल फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू वन होगी भाई पहला शेल है पहला एनर्जी लेवल है एन की वैल्यू वन आ गई तो एल की वैल्यू क्या होगी <coughs> कितने मिलेंगी जीरो से लेके एन माइनस वन तक एन माइनस वन यानी कि वन माइनस वन जीरो यानी केवल बची जीरो वैल्यू तो उसके लिए एक वैल्यू मिलेगी दैट इज अरो अब इस जीरो पर सब शेल का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एस अच्छा एस की एल की वैल्यू जीरो है अब एम एल की वैल्यू कैसे वैरी करती है अभी मैंने बताया कि एम एल की वैल्यू जो वैरी करेगी वो मैं समराइज फिर से कर दे रहा हूं एक काम कर रहा हूं मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं देखो एन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी वन से लेके टू थ्री एंड सो ऑन एल की वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक जाएगी वो जाएगी जीरो टू एन माइनस वन तक मतलब कितनी वैल्यू होंगी अगर दो के लिए निकालूंगा तो अलग आएगी तीन के लिए निकालूंगा तो अलग तरीके से अगर मैं बात करता हूं एम एल की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है बच्चों माइनस एल टू प्लस एल या ये बोलते हैं जीरो टू प्लस माइनस एल तक ये तीन चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ये टेबल समझने में अगले पेज पर जो मैं बना रहा हूं उस टेबल को समझने में दिक्कत नहीं आएगी टेबल में ये वैल्यू एस आ गई समझ में आपको एस कैसे मैंने निकाला एस ऑर्बिटल का नेम मैंने आपको पहले बताया था ठीक है दिस इज s ऑफ ऑर्बिटल का ने अगर एक वैल्यू निकल के आई है तो एम की वैल्यू जाएगी केवल जीरोल इज इक्वल टू जो इसके लिए वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो अच्छा इसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने आ सकते हैं मैक्सिमम हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर की डायरेक्शन दिखाया एक इलेक्ट्रॉन नीचे बच्चों आप इसे ऊपर और नीचे ऊपर समझ लेना नीचे मीन एंटी क्लॉक आप अपने माइंड में बस थोड़ा सा ऐसा सेटअप कर लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी प्लस हाफ और माइनस हाफ जो भी आएगा डिपेंड एक के लिए प्लस हाफ तो एक के लिए माइनस हाफ चलिए पहला शेल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैंने दोनों के लिए डेटा लिख दिया सेकंड आता है टू यानी कि अब एल की वैल्यू एन जीरो से लेके एन माइनस वन तक वैरी करेगी एन माइनस वन यानी कि टू माइनस वन तो क्या क्या वैल्यू आएगी जीरो और वन क्या क्या वैल्यू आएगी जीरो और वन जीरो पर ऑर्बिटल हो जाएगा एस मतलब सबसेल हो जाएगा एस और वन पर सबशेल हो जाएगा पी अच्छा वन के लिए वैल्यू क्या वैरी, वैरी करेगी वन के लिए तो एक ही ऑर्बिटल और पी के लिए हमारे पास वैल्यू वैरी करती है माइनस वन जीरो प्लस वन यानी कि तीन वैल्यू एक तो भाई मैंने बोला ना अभी आपको ml की वैल्यू आपको मैंने अभी बताया एम एल की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल जाएगी यानी कि माइनस वन से लेके जीरो प्लस वन ये तीन ही तो वैल्यू आई बेटा इस पर जीरो तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन चार तो कुल मिला के आठ इलेक्ट्रॉन हम सेकेंड शेल में फिल कर सकते हैं मैक्सिमम अच्छा इसकी वैल्यू तो प्लस माइनस हाफ हो गई अच्छा यहां पर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी अगर लिखता जाऊं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल तो यहां कितने हो गए दो यहां कितने हो गए आठ चलिए अब आगे थर्ड शेल की बात कर लेते हैं थर्ड शेल, थर्ड शेल में एल की वैल्यू क्या होगी जीरो वन और टू एन माइनस वन तक जाएगी यानी कि जीरो वन और टू जीरो पर एस पी और इसका नेम क्या हो गया डी जीरो के हिसाब से ए की वैल्यू दैट इज ए जीरो पी के हिसाब से तीन वैल्यू माइनस वन जीरो प्लस अब देखो टू तो एल की एम एल की वैल्यू वैरी करेंगी माइनस टू से लेकर प्लस टू तक तो यानी कि माइनस टू से लेकर प्लस टू तक बच्चों वैरी कराने के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या एक दो तीन चार माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू पांच वैल्यू हो गई या नहीं हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए कुल मिला के इसमें हर एक में दो इलेक्ट्रॉन भाई मैक्सिमम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए कुल मिला के देखो दो और छह आठ और दस हमारे पास हो गए अठारह यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास थर्ड शेल में थर्ड शेल की कैपेसिटी कितनी है अठारह इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा ना दो आठ अठारह पता चल रहा है कि कैसे हो रहा है यहाँ पर तो कुल मिला के इसमें हमारे पास प्लस माइनस हाफ वैल्यू आ गई टेबल का लास्ट पार्ट हम लास्ट पार्ट में पहुंचने जा रहे हैं जब हम टेबल के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं एन इज इक्वल टू फोर रखते हैं यहां पर एन था यहां पर एल था यहां पर एम था और यहां पर नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल यहां एम एस था चलिए इस टेबल को हमने क्या करा अगर हम बात करते हैं एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया फोर यानी एल की वैल्यू जीरो वन टू और थ्री जीरो के हिसाब से एस पी डी एंड एफ चलिए अगर हम एम की बात करते हैं तो मैंने पहले बता दिया इसके लिए एक जीरो इस वाले पोर्शन के लिए तीन एक दो माइनस वन जीरो प्लस वन इस वाले पोर्शन के लिए एक दो तीन चार यानी कितना आएगा माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू एंड इस वाले के लिए हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी क्या आएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस अब सोचो हर एक में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा अगर हमारे पास हर एक में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो दो छह आठ दस अट्ठारह और फोर्टीन हमारे पास कितना हो गया थर्टी टू वही प्लस माइनस हाफ अच्छा चलिए खास बात एक और नोटिस करते हैं इस टेबल के थ्रू ऐसा कौन सा शेल था या ऐसा कौन सा ऑर्बिट था जिसमें एस शेल पहली बार अपियर हुई वो था हमारे पास ये ऐसा कौन सा शेल था जिसमें पी सब शेल फर्स्ट टाइम आया ये ऐसी कौन सी शेल है जिसमें डी सब शेल पहली बार आई ऐसी कौन सी शेल है जिसमें एफ सब शेल पहली बार आया फोर्थ ऐसी अच्छा एक खास बात अगर मैं किसी शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखूं, इसके अंदर एक पी के अंदर तीन डी के अंदर पांच और एफ के अंदर कितने आए हैं हमारे पास सात तो चलिए कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कुछ कंक्लूजन में हमारे पास ये है कुछ पॉइंट्स अगर हम सीधे सीधे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ सब शेल नंबर ऑफ सब शेल इन शेल तो दैट इज इक्वल टू एन अगर थर्ड की बात करूंगा तो तीन फोर्थ की बात करूंगा तो फोर फाइव की बात करूंगा तो फाइव एंड नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ सब शेल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल इन अ शेल दैट इज अ एन स्क्वायर चाहे तो आप टेबल से ऑब्जर्व करें पहले वाले के पास हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं वन दूसरे वाले पास वन टू थ्री फोर चार तीसरे वाले पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन थ्री स्क्वायर नाइन टू स्क्वायर फोर वन स्क्वायर वन एज इट इज सेम अगर अगले वाले में बात करूं तो कुल मिला के मेरे पास ऑर्बिटल्स कितने निकल के आएंगे ठीक है जब सिक्सटीन निकल के आएंगे तो एन स्क्वायर मैक्सिमम नंबर ऑफ या टोट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल एक ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो नंबर ऑफ शेल को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू एन स्क्वायर यह तो हुए शेल्स के बारे में चलिए अगर हम आगे बात करते हैं अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं तो बेटा अगर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ अगर हम निकालें इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अब सेल सब सेल आपको पता है ऑब्जर्व करो अगर मैं साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूं एस में कितने थे अगर एस की वैल्यू एल की वैल्यू वन है अगर एल की वैल्यू वन है देखो यहीं पर देख लेते हैं एल की वैल्यू जीरो एस ऑर्बिटल कितने हैं वन वन में तीन टू में फाइव थ्री में सेवन अच्छा चलो इसके लिए एक फॉर्मूला में लिखता हूं दैट इज अ टू एल प्लस वन टू एल प्लस वन आप खुद ही देखिए अब p के लिए l की वैल्यू वन होती है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकल के आएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल टू इंटू वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री आया कुछ समझ में तो ये कुछ चार गुने चुने फॉर्मूले हम बनाते हैं जिसमें से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एक टेबल पर लॉजिकली बन सकते हैं मैं इनको रटता नहीं हूं कभी भी चलिए बच्चे इस पे बेस अब देखते हैं क्वेश्चन यहां पे मैं इस पे बेस समझ लो मैंने मुश्किल से 10% क्वेश्चन पिक किए होंगे 10% भी नहीं पकड़े मैंने मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं द रिलेशन बिटवीन एन एम द नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुल मिला के क्वांटम नंबर की वो बात कर रहे हैं ठीक है परमिशिबल क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एसमिथल क्वांटम नंबर एल किसी एल की वैल्यू के लिए हमारे पास वो वैल्यू निकालने की बात कर तो आपके पास बोला एन एम नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिव क्वांटम नंबर मिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल और हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल टू क्या हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगी टू इन टू एल माइनस वन अब मैं इनमें से इस फॉर्मुले की हेल्प से इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है अगर मैं इस फॉर्मुले को एन एम प्लस वन इज इक्वल टू टू एल लिख सकता हूं डेफिनेटली बस वन को उधर पहुंचा दिया है मैंने तो मैं क्या बोलूंगा टू एल इज इक्वल टू एन एम प्लस वन और एल इज इक्वल टू एन एम प्लस वन डिवाइडेड बाई टू तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई हमारे पास दैट शुड बी द प्लस वन तो फॉर्मूला हमारे पास यह हो गया है जस्ट वेट ये निकल के आ गया प्लस वन एन एम माइनस वन इज इक्वल टू टू एल तो एल इज इक्वल टू एन एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू ठीक है सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर दैट इज अन एम माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दो हजार तेईस बस अभी इस साल के क्वेश्चंस को छोड़ो पिछले साल का बस नाउ कम टू द नेक्स्ट वन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड दट कॉन्सेप्ट इज चलो इसके बाद नेक्स्ट उसमें करते हैं इसके जस्ट बाद चलिए बच्चे अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑर्बिटल्स दिखते कैसे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम ऑर्बिटल का समझते हैं ऑर्बिटल अ थ्री डी स्पेस वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिम इट इज अ थ्री डी स्पेस इट इज द डी स्पेस वेयर finding probability finding probability of an electron is maximum is maximum where the finding probability of an electron is maximum इसको आप ना कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक ह्यूमन के मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम है अराउंड द न्यूक्लियस तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आते हैं ऑर्बिटल्स आते हैं पहला आता है एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो हमारे पास होता है शेप स्फेरिकल एसफेरिकल मतलब एक फुटबॉल के जैसा होता है उसी रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है इसके शेप को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैंने डायग्राम लिया हुआ है बट वो लास्ट में है हमारे पास इट इज समथिंग लुक लाइक दिस इट इज समथिंग लुक लाइक दिस एस ऑर्बिटल देखो ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ये वाला एरिया 2s ऑर्बिटल पहले बीच में आई देन उसके बाद फिर से ये ये जो ब्लू वाला एरिया है ये वाला ब्लू बीच में थोड़ा सा स्पेस है जहां फाइंडिंग प्रोबलिटी हमारे पास कम हो गई है फिर हम 3s में चलते हैं तो देखो ये एक बीच में छोटा सा फाइंडिंग प्रोबलिटी एक स्पेयर फिर एक स्पेयर फिर एक स्पेयर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है जहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास नेगलिजिबल है या फिर ऑलमोस्ट जीरो है इस चीज को हम बोलते हैं नोड अभी हम नोट की बात थोड़ा सा लास्ट में करेंगे क्योंकि नोट की बात करने के लिए हमें लास्ट तक पहुंचना होगा तो हमारे पास जो तो शेप पहुंच गया शेप ये जो शेप जो आ गया है यह कैसा दिख रहा है स्पेरिकल आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी तो हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं शेप हमारे पास क्या निकल के आएगा स्पेरिकल और तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया स्पेरिकल और इट इज समथिंग लाइक एस दिस इज एस ऑर्बिटल अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं बच्चों तो देखो एस में तो एक ही ऑर्बिटल था उसका शेप ऐसा ही होगा वन एस होगा तो ऐसा टू एस होगा तो दो स्पेयर थ्री एस होगा तो तीन स्पेयर अगला आता है हमारे पास पी ऑर्बिटल ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डम आपने डम्बल तो उठाए होंगे बॉडी करने के लिए या देखे तो होंगे एटलीस्ट इसका जो शेप होता है इसके पास हमारे पास तीन ऑर्बिटल निकल के आते हैं एक आता है पीएक्स एक आता है पी वाई एक आता है पीजेड ये कौन बताएगा हमें पीएक्स पी वाई पीजेड ये बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भाई क्या डायरेक्शन है ओरिएंटेशन क्या है तो पहले ऑर्बिटल का जो शेप नजर आएगा वो समथिंग लाइक like ऐसा होगा दिस इज द वाई दिस इज द एक्स एंड हेयर प्लस हेयर माइनस दीज आर द साइन नॉट द चार्ज मैं पहले ही बता रहा हूं दिस इज नॉट द चार्ज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इज टू प्लस माइनस टू तो जिस तरीके से इस वैल्यू को सॉल्व किया है प्लस माइनस टू दिस प्लस माइनस इज नॉट द सेम हेयर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वाई तो वाई ऑर्बिटल इज समथिंग लाइक ऐसा दिस इज एक्स दिस इज वाई हेयर प्लस हेयर माइनस अच्छा जेड ऑर्बिटल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जेड ऑर्बिटल तो दिस इज जेड एक्सेस जेड एक्सेस दिस इज वेट दिस इज जेड एक्सेस और ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज एक्स दिस इज वाई दिस इज प्लस माइनस दिस इज अ पी जेड उम्मीद करता हूं कि आपको शेप समझ में आई होगी ये ऑर्बिटल्स तीनों के तीनों इक्वल इन शेप एंड इक्वल इन एनर्जी ऑल पी एक्स पी वाई पी एक्स पी वाई एंड पी जेड आर इक्वल इन शेप एंड एनर्जी टॉकिंग अबाउट डी ऑर्बिटल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डी ऑर्बिटल तो जब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं बेटे तो डी ऑर्बिटल इज समथिंग लुक लाइक डी ऑर्बिटल इज लुक लाइक डबल डम्बल शेप वॉट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल दैट इज द डबल डबल डम्बल अगर हम डबल डंबल की बात करते हैं तो इसके पास पांच ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एंड डी जेड स्क्वायर चलिए बनाते हैं इसको मेरे पास इसको ऐसे बनाना होता है अगर हमने दिस इज द एक्स और दिस इज द y, तो ये ऐसे बीच में आता है प्लस माइनस प्लस माइनस अगर हमारे पास यही और एक्सेस एक्स और वाई की जगह क्या हो जाए वाई और जेड हो जाए दिस कुछ ऐसा दिखेगा प्लस माइनस प्लस माइनस अगर यही और एक्सेस दिस इज एक्स और दिस इज जेड हो जाए दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस अच्छा आप किसी भी एक को प्लस दीजिए तो उसके अगले वाले को माइनस दीजिएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये प्लस है तो हमेशा यही प्लस रहेगा मैं इसलिए बार बार बदल भी दे रहा हूं एक आता है हमारे पास डी हमारे पास समथिंग लुक लाइक ऐसे दिस इज वाई दिस इज एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस अगर मैं इस डी ऑर्बिटल की शेप की बात करता हूं तो डी ऑर्बिटल इज लुक लाइक समथिंग लाइक दिस आपने वो सेटन पर रिंग देखी है वो रिंग सी इसके ऊपर आ जाती है एंड दिस इज डी जेड ऑर्बिटल और ये हमारे पास प्लस है तो इस रिंग पर माइनस है उम्मीद करता हूं अगर इस लोब्स पर प्लस साइन आएगा तो रिंग पर माइनस आएगा और ये पांचों ऑर्बिटल ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल्स ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी एनर्जी मीन्स दीज डी ऑर्बिटल्स आर डी जेनरेट डी जनरेट ऑर्बिटल का मीन्स होता है डी जनरेट इक्वल इन एनर्जी इन एनर्जी इक्वल इन एनर्जी चलिए आइए मैंने आपको शेप्स बताई शेप्स के बेसिस और क्वांटम नंबर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप जब कभी भी एग्जाम में ये वर्ड फाइंड आउट करते हैं इनकरेक्ट नॉट करेक्ट तो प्लीज आप क्या करा करें उसको सर्किल या अंडरलाइन कर ले ये मेरी आदत है आप भी अगर ये फॉलो करेंगे तो ये स्टेटमेंट में मतलब गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चों का बहुत होता है सर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा अरे ध्यान से नहीं पढ़ा मतलब क्यों नहीं पढ़ा भाई किसने मना किया था तो आप सबसे बेस्ट अगर नहीं पढ़ा आपकी आदत ये मतलब आप भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं तो अपनी आदत डालिए कि इनकरेक्ट नॉट करेक्ट नॉट ट्रू इसको सबसे पहले सर्किल करें किसी क्वेश्चन के अंदर नजर आता है अगर ये आप हैबिट डालते हैं तो ये आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगी ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन द कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव फोर डी ऑर्बिटल्स या डेफिनेटली जो साइज होता है वो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का नंबर फोर डी फाइव वैसे वैसे साइज क्या होता है बढ़ता चला जाता है या डेफिनेटली डिफरेंट इन साइज

मतलब सब डी ऑर्बिटल्स की पर एनर्जी सेम है ईच डी द शेप ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स यस ठीक है इन तीनों की शेप एक जैसी है ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर वेयर एज डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर नहीं अभी आपको मैंने बताया था कि यह वाला ऑर्बिटल और यह वाला ऑर्बिटल दोनों क्या सेम दिख रहे हैं इक्वल शेप में अरे भाई दिख रहे हैं क्या तो बताओ तो हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगा डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट एन ऑर्बिटल लैंग्वेज भाई साहब लैंग्वेज 2016 का क्वेश्चन है अपनी हिस्ट्री में सबसे हार्ड पेपरों में से एक नीट एग्जाम का उ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन दर्बिटल फॉर विच एन इज इक्वल टू थ्री एल इज इक्वल टू वन कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने वर्ड बोला हुआ है ऑर्बिटल ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं दैट इज द टू सोचना ही नहीं है कुछ और तो व्हाट इज द राइट आंसर राइट आंसर इज टू कम टू द नेक्स्ट वन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अभी एक फॉर्मला लिखवाया था वट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मूमेंटम हमने लिखवाया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस वन इन टू एच कट एच पॉइंट टू पाई लिखाया था एच पॉइंट टू पाई इज एच कट चलिए किसके लिए पूछा हुआ है ऑर्बिटल डी अच्छा डी के लिए एल की वैल्यू होती है टू सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू टू प्लस वन इंटू एच कट द अंडर रूट टू इन टू थ्री दट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो गया आया समझ में व्हाट शुड बी द राइट आंसर दन यानी कि ए इज द राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बाय अ अ कोई सी भी ही होगी मान लो एल उसके पास ऑर्बिटल कितने होंगे के पास ऑर्बिटल कितने होंगे ऑर्बिटल होते हैं टू सॉरी टू एल प्लस वन इतने ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टू इंटू टू एल प्लस वन तो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया द राइट आंसर इज टी कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन मैंने पिक कर लिए अभी तो मैंने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं मीन्स समझ लो इस एरिया से इस क्वांटम नंबर से और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए एक क्वेश्चन और करते हैं वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर भाई इज इक्वल टू हमारे पास वन है इज इक्वल टू तो N की वैल्यू की वैल्यू क्या होंगी जीरो वन टू बस ये तीन हो जाएंगे यानी कि एल इज इक्वल टू वन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट पी ठीक है अगर पी के लिए है एल इज इक्वल टू एम एल की वैल्यू इसके लिए क्या जाएगी हमारे पास माइनस वन जीरो प्लस वन अच्छा माइनस वन यानी कि इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टू आ सकते हैं बस व्हाट शुड बी द राइट आंसर राइट आंसर इज टू क्लियर है उम्मीद करता हूं क्लियर होगा नाउ तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के अंदर फिल किए जाते हैं Means कैसे इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे क्या पैटर्न रहा होगा तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास तीन रूल्स आते हैं पहला आता है हमारे पास अफवाऊ प्रिंसिपल सेकेंड रूल आता है हमारे पास हंस रूल एंड पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल तो तीनों को वन बाय वन हम समझते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि ये भी क्वांटम मैकेनिक मतलब ये भी हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे इलेक्ट्रॉन एटली फिल हुए हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों तो आगे हम देखते हैं तो सबसे पहला रूल आता है हमारे पास अफवाऊ प्रिंसिपल अफवाऊ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है अफवाह प्रिंसिपल हमें यह बताता है इट द प्रिंसिपल स्टेट्स कि किसी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है जो शेल या जो ऑर्बिटल हमारे पास लोअर एनर्जी में है पहले उसकी फीलिंग होगी उस सब शेल की फीलिंग होगी देन फिर हायर एनर्जी लेवल पर होगी तो ये ऐसे ही कुछ बोल रहा होगा इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जीज अभी एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है अगर हम बात करते हैं एनर्जी की तो द एनर्जी इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एन प्लस एल रूल what is n plus l here n is a principal quantum number principal quantum number and l is the azimuthal quantum number abhi thodi der pehle hi humne ye padha hai theek hai principal quantum number and azimuthal quantum number चलिए इस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि कैसे एनर्जी किसी मतलब किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे डिसाइड करें कैसे किसी सबशेल की एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं अगर हम बात करते हैं तो एन प्लस एल रूल कहता है हमें क्या करना है एन प्लस एल का सम निकालना है एन प्लस एल का आप सम निकालिए किसी भी और सब शेल के लिए अगर एन प्लस एल का सम मतलब दो कंपेयर कर रहे हैं एनर्जी दो सब शेल के लिए अगर एन प्लस एल आर डिफरेंट पहली कंडीशन आती है डिफरेंट तो लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल अगर ग्रेटर विल बी एनर्जी लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एन एन प्लस एल लोअर आप एन प्लस एल निकालिए वैल्यू ज्यादा आई, energy N plus L value आई energy हायर दिक्कत तो तब आती है जब दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है दिक्कत तब भी कोई नहीं है उसके लिए भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है अगर एन प्लस एल सेम आ जाता है तो ग्रेटर द एन वैल्यू ग्रेटर द एनर्जी ऑफ द दिटर या हम ये बोले लोअर द वैल्यू ऑफ एन लोअर विल बी द एनर्जी चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं सपोज इट मैंने बात करी मैंने बोला आपसे कि बच्चों टू पी और थ्री डी की वैल्यू टू पी और थ्री पी के लिए निकालते हैं टू पी एंड थ्री पी के लिए निकालते हैं अच्छा बच्चों इसके लिए अगर हम इसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू निकालें एन क्या हो गया ये जो नंबर पहले लिखा रहता है ना ये जो हर ऑर्बिटल के पहले नंबर लिखा जाता है इट रिप्रेजेंट की, तो की वैल्यू हो गई टू पी के लिए एल की वैल्यू आपको याद करा दूं मैं वापस से एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू अगर हमारे पास वन है जीरो वन टू थ्री यानी कि नेम ऑफ सबशेल जो है सबशेल सबशेल हो जाती है एस पी डी और एफ इट मींस हमारे पास जो सबशेल हो गई अगर पी है तो एल की वैल्यू क्या हो गई वन हो जाएगी तो यानी कि टू प्लस वन दैट इज द्री अब मैं यहां पर एन प्लस एल की वैल्यू निकालता हूं अगर मैं यहां पर एन प्लस एल की वैल्यू निकालता हूं तो हमारे पास एन प्लस एल की वैल्यू क्या निकल के आएगी दैट इज अलस वन दस किसकी एनर्जी कम है एन प्लस एल वैल्यू किसकी कम है 3, छोटी है, 4, बड़ी है. बड़ी so, किसकी एनर्जी ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर चलिए एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं मतलब इसी पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं लेट सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैंने बोला कि फोर एस एंड थ्री डी इसको सॉल्व करते हैं फोर एस एंड थ्री डी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं इसके लिए अगर एन प्लस एल की वैल्यू अगर हम बच्चों निकालते हैं एन प्लस एल तो बताइए एन प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी फोर प्लस एस के लिए एन प्लस एल इक्वल टू फोर चलिए बेटा अगर हम बात करते हैं इस थ्री डी के लिए एन प्लस एल की वैल्यू तो थ्री प्लस डी के लिए अगर हम एल की वैल्यू निकालते तो हमारे पास आती है टू टू तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी के लिए टू आ गया आंसर आ गया फाइव जी बेटा अब मुझे बताइए कि फोर छोटा है या फाइव छोटा है फोर डेफिनेटली तो जब फोर छोटा है तो एनर्जी में हमारे पास छोटा कौन हो जाएगा फोर एस यानी कि फिल करते हुए फोर एस पहले फिल होगा थ्री डी से भाई एनर्जी में कम है ना फोर एस अभी तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिए जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू छोटी या बड़ी थी अलग अलग है चलो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है मैंने बोला बेटा मैंने बोला फोर पी और अगर हम एनादर एग्जाम्पल लेते हैं फोर डी थ्री डी एंड फोर पी यस डी एंड फोर पी इसके लिए एन प्ल की एन प्लस एल की वैल्यू लेते हैं अगर इसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू निकालते हैं तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री और एल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा एल हो जाएगा मेरे पास टू दैट इज इक्वल टू फाइव अगर मैं फोर पी के लिए एन प्लस एल की वैल्यू निकालू एन प्लस एल तो बताइए इसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू क्या होगी एन प्लस एल की वैल्यू हो जाएगी यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये होगा मेरे पास एन प्लस एल यानी कि फोर प्लस पी के लिए वन दैट इज अ अव नाउ एन प्लस एल आर सेम तो क्या कैसे पता लगे अगर एन प्लस एल सेम है तो हायर द वैल्यू ऑफ एन हायर विल बी द एनर्जी लोअर द वैल्यू ऑफ एन लोअर विल बी द एनर्जी सो एनर्जी में छोटा कौन होगा थ्री डी तो हु विल फिल द फर्स्ट हमारे पास कौन पहले फिल होगा हु विल फिल डी तो इस बेसिस पर हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं हम उन पॉसिबिलिटीज को लेते हैं और एक ऑर्डर अरेंज करते हैं और ऑर्डर को अरेंज करने में हमारे पास एक डायग्राम आएगा वो डायग्राम का रफली आइडिया ऐसे ऐसे करके है बट मैं इस डायग्राम को इसकी हेल्प से नहीं बताता मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं ट्रिक कि कैसे याद रखना है ट्रिक कि कैसे याद रखना है कि क्या ऑर्डर है सबसे पहले एक डायलॉग याद करिए एस एस पी क्या याद रखना है एस एस पी भाई पुलिस में एक पोस्ट होती है आप याद भी रख सकते हो एस एस पी देन आपको याद रखना है एस पी एस फिर आपको जाना है दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि डी पी एस फिर वापस पहुंचना है डीपीएस पर फिर वापस पहुंचना है फर्स्ट दिल्ली पब्लिक पहुंचना है जो पहला ओपन हुआ था फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल देन फर्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल टीपीएस के बारे में तो सुना ही होगा चलिए आप याद करो वो टेबल जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी अगर मैं उस टेबल को याद करूं बच्चा बेटा तो उस टेबल को याद करने पर मेरे को यह याद आता है कि जो एस सबसे पहली बार आया था तो कहां पर आया था एस अगर एस याद करो एस कहां पर आया था सबसे पहली बार अगर हम याद कर पा रहे हैं तो एस पहली बार अपियर हुआ था फर्स्ट शेल में यानी कि वन तो स्टार्ट विद वन कितना टू देन थ्री देन फोर देन फाइव देन सिक्स देन सेवन देन एट अच्छा एक बात बताओ हमारे पास अगर हम बात करते हैं पी पहली बार कब आया था कब अपियर हुआ था पी पहली बार सेकेंड शेल में तो पी स्टार्ट विथ टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड सेवन अच्छा डी पहली बार कब अपियर हुआ था डी अपियर हुआ था पहली बार थर्ड शेल में तो दैट शुड बी द थ्री देन हमारे पास फोर अगर हम बात करते हैं फाइव सिक्स एफ पहली बार कब आया था हमारे पास आया था एफ आया था पहली बार फोर फोर एंड फाइव अभी आया कुछ समझ एनर्जी का ऑर्डर ये है ऐसे करके आपको क्या करना है इस डायरेक्शन में चलते चले जाना है इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी मीन्स सबसे पहले कौन फील होगा वन एस अच्छा एस सबसेल की कैपेसिटी कितनी है अगर मैं कैपेसिटी वाइज लिखूं कैपेसिटी वाइज तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं यहां पर और मैंने पूछा आपसे बच्चों मुझे एक बात बताइए मैंने लिखा सबसे सबसेल एस पी डी एफ इसके अंदर ऑर्बिटल कितने हैं ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हाँ जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थ्री मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हाउ मच बताइए जल्दी कमेंट में आंसर करिए तब तक हां जी कितने दैट इज द टेन ओ सॉरी ऊपर हमारे पास क्या आना चाहिए दैट शुड बी द सिक्स हां जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन कितना मैक्सिमम कैपेसिटी फोर्टीन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं टेबल में बट एक छोटा सा रिकैप मैंने फिर से दे दिया राइट नाउ चलिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्योंकि बात तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चल रही है बात चल रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चलिए सपोज इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ऑर्डर तो पता चल गया ऑर्डर क्या है it, मुझे क्या करना है मुझे करनी है की। हां जी, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन में नियॉन में अवेलेबल होते हैं बेटा टेन इलेक्ट्रॉन अब इस टेन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाए अगर हम टेन की ले तो पहला हमारे पास पहला कौन सा सबसे इसके मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है टू पर हमारे पास फिलिंग के लिए फिल करने दस इलेक्ट्रॉन तो वन एस टू टू एस एस ऑर्बिटल की आ जाएगा टू पी कितने इलेक्ट्रॉन बचे छह तो छ के छह यहां पर आ जाएंगे चलो सपोज इट मैंने क्या करा मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है नाइट्रोजन का ट इज अटोमिक नंबर यस बताइए वट इज अटोमिक नंबर सेवन अगर हम सेवन की फिलिंग करते हैं तो पहले फिल होगा दो इलेक्ट्रॉन आ गए फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा two How much electrons are left? हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अगर हम बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तीन चार ऑलरेडी फिल हो चुके हैं पर नेक्स्ट टू पी होता है मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है सिक्स बट मेरे पास तो छ ही है तो ठीक है छह वो सॉरी मैक्सिमम कैपेसिटी है सिक्स बट मेरे पास तो तीन ही है तो हम क्या करेंगे हम तीन ही फिल कर देंगे हो गया बस अगर हम बात करते हैं जैसे सपोज अब मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूं फास्फोरस 15 कैसे करेंगे पहले हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 10 फिल हो चुके हैं यहां पर टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री अंजी नाउ नेक्स्ट किसी का भी बोल दिया आप अगर हम सपोज इट स्कैंडियम लिखते हैं या चलिए हमने लिखा आयरन ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या आएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स कुल मिला के इस तरीके से हम सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं चलिए पहले कुछ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इस पे बेस्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है 4d 4p 4d 4, 5p ज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी द करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों क्या करना है सिंपल फोर डी बताइए प्लस डी डी के लिए एन प्लस एल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी फोर प्लस डी के लिए एन प्लस एल की वैल्यू डी यानी कि टू दैट इज दिक्स फिर आता है हमारे पास सिक्स पी क्या आता है फाइव पी सॉरी फाइव पी फाइव पी यानी कि फाइव प्लस वन दट इज सिक्स फिर आता है हमारे पास फाइव एफ यानी कि फाइव प्लस जीरो वन टू थ्री यानी कि थ्री दैट इज अ सेवन और फिर लास्ट आता है हमारे पास सिक्स पी यानी कि सिक्स प्लस वन दट इज अवन भाई इन दोनों में एन प्लस एल सेम है और इन दोनों में एल प्लस एल सेम है एन प्लस एल सेम होने पे लोअर द वैल्यू यानी कि अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो फोर डी इज लेस देन फाइव पी होगा चलो ठीक ये दोनों की एनर्जी इन दोनों से कम होगी अब इन दोनों में फाइव एफ की एनर्जी कम होगी तो हमारे पास क्या आ गया फाइव एफ देन क्या आ गया सिक्स पी क्या निकल के आ गया 6p देखो कहीं पर ये एनर्जी ऑर्डर मिलता है इन्होंने पूछा हुआ है डिक्रीजिंग तो आंसर होना चाहिए 6p के बाद 5f देन 5p देन 4d हां जी कोई आंसर 6p 5f अकॉर्डिंग टू दिस मतलब कैलकुलेशन यही रहेगी सी आंसर आ गया हमारे पास सबको समझ में आया उम्मीद करता हूं समझ में आया हो अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट मुझे करके बताइए कि कहां पर कंफ्यूजन आया आपको राइट right नाउ हम आगे चलते हैं एक रूल आता है बच्चों हमारे पास हंस रूल ये सेकंड रूल है फिलिंग के लिए जो हमें ध्यान रखना है हंस रूल ये बोलता है कि इसका स्टेटमेंट ये बोलता है अगर मैं वर्बली बताऊं तो जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे यानी में मान लो डी में है डी के ऑर्बिटल को अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो पहले हम सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे वो ऑर्बिटल नॉट टेक प्लेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सब शेल गॉन वन इलेक्ट्रॉन ईच सपोज इट मैंने बोला मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं वन एस टू टू एस टू टू पी फोर आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा आपको बेटा हमारे पास अगर में लिखे देंगे तो पहले उसका s ऑर्बिटल ऐसा दूसरे का s ऑर्बिटल ऐसे तीसरे का ए पी ऑर्बिटल लाइक दिस एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन एक दो अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पर नहीं आएगा इसमें इस रूल के हिसाब से अगर एनर्जी में सेम लेवल के ऑर्बिटल्स हैं मीन अगर हमारे पास तीन ऑर्बिटल एनर्जी के हैं तो पहले तीनों को आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे वो भी सेम स्पिन के ऐसा नहीं कि एक ऊपर एक नीचे मतलब आप पहला इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर डायरेक्शन में दिखा रहे हो तो दूसरे की भी ऊपर दिखाओगे तीसरे की भी ऊपर दिखाओगे यानी कि अब चौथा इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी लेवल पर आप फिल कर सकते हैं यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भी फिल कर सकते हैं अच्छा मैं अदर पॉसिबिलिटीज बताता हूं पी फोर की क्या हंड्स रूल किस किस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है अगर मैं पी फोर की पॉसिबिलिटी बात करता हूं तो बेटा क्या पी फोर ऐसी पॉसिबिलिटी की बात करेगा यस करेगा पहले सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर किसी एक को अप कर दो क्या P4 इस पॉसिबिलिटी की बात करेगा एक सबको पहले नीचे डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन फिर एक को ऊपर यस, करेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं यस ये भी अलाउड है क्या हंस रूल इसको अलाउड करेगा एक दो तीन और हमारे पास चार नहीं आप देखोगे कि पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर बट क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन या तो देखो हमें जो निकालने जो बाकी बचे हुए अनपेड होते हैं ना आपको मिला के देखो ये तो अप हो गया कोई बात नहीं कैंसिल आउट उसको तो सोचना ही नहीं है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो किसी बस एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए या तो ऊपर या नीचे तो नहीं दिस इज नॉट अलाउड जी क्या इस कॉन्फ़िगरेशन को अलाउ करेगा आप देखिएगा ध्यान से मेरा सीक्वेंस मैंने पहले ऊपर फिर नीचे फिर नीचे और फिर मैंने क्या कर दिया हमने फिर से क्या कर दिया मैंने इसको उपर, नहीं, उपर नहीं, इसको ऊपर ऊपर नहीं नहीं मैंने ये बना दिया क्या इसको रूल अलाउ करेगा यस हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं कुल मिला के उनकी स्पिन हमारे पास क्या होनी चाहिए सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए यस अलाउ करेगा मेरे पास जगह नहीं बच रही है मैं ऊपर बना रहा हूं क्या मेरे पास ये चीज अलाउ करेगा क्या यह अलाउड कॉन्फ़िगरेशन है नहीं हंस रूल कहता है पहले आपको सेम एनर्जी लेवल पर एक एक इलेक्ट्रॉन देना है एक एक इलेक्ट्रॉन वो भी सेम स्पिन के साथ और फिर बाद में पेयरिंग अप करानी है तो कुल मिला के कैसे देखें हम कैसे देखें आपको सिंपल ये देखना है कि सबको पहले इलेक्ट्रॉन बांटो फिर उसके बाद पेयरअप कराओ फिर ये देखो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चे हैं वो सारे सेम डायरेक्शन के हैं या नहीं है पर ऐसा नहीं होगा कि ऑर्बिटल खाली है और यहां पर पेयरअप हो जाए नहीं ये चीज अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू हर्णस रूल होपली समझ में आया होगा अगर हम आगे बढ़ते हैं हर्ण रूल के बारे में हो गया अब हम बात करते हैं पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का अगर हम पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बेटा यह बोलता है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पता है क्या बोलता है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यह बताता है कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी ठीक है कर दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद यह बोलता है अगर आप किसी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते हो तो उसने बोला पाउली ने कि सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती एटलीस्ट एक ना एक तो वैल्यू बदली हुई होनी चाहिए एक से ज्यादा भी अलाउड है बट फोर क्वांटम नंबर सेम फॉर टू इलेक्ट्रॉन इन सेम एटम अलग अलग एटम के होंगे चलेगा जैसे कि लेट सपोज इन्होंने बोला है द प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर मैंने बोला ही था सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर टू इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटर एंड दीज इलेक्ट्रॉन मस्ट है अपोजिट स्पेन इन्होंने बोला कि अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटर में रह भी जाते हैं तो उनका एन सेम होगा उनका एल सेम होगा इनका एम सेम होगा यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजुमेथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने रिवर्स ऑर्डर में बोल दिया है हमारे पास अलग क्या हो जाएगा अगर सेम ऑर्बिटल में उसकी स्पेन चलिए मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों मैंने लिया एन सेवन वन एस टू टू एस टू और टू पी थ्री इन्होंने बोला इन्होंने बोला हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन दो तीन चार पांच छ सात ठीक है समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं पांच छ सात हमारे पास सबके लिए एन प्लस एन एल एम एम एल और एम एस ये वैल्यू निकालते हैं चलिए पहले एम एल की वैल्यू बात कर लेते हैं पहले किसकी बात कर लेते हैं एम एल की बात मतलब सबकी बात कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन एन वन एस एल जीरोल जीरो ऊपर वाले को मैंने प्लस हाफ मान लिया इसके लिए एन वन एल जीरो माइनस हाफ देखो तीनों क्वांटम नंबर सेम थे ऊपर वाले लास्ट में आके बदल गया इसके लिए निकालते हैं एन एन की वैल्यू बात करते हैं एन कितना हो गया पहली सबसे पहली वैल्यू किसकी है एन टू एल जीरो एम एल जीरो प्लस हाफ एन टू जीरो जीरो माइनस हाफ आप चलो इसके लिए निकालते हैं थ्री सॉरी टू पी के लिए एल की वैल्यू बताइए क्या होगी पी के लिए एल की वैल्यू वन माइनस वन क्योंकि माइनस वन जीरो प्लस वन मानता हूं मैं माइनस वन प्लस हाफ इसके लिए टू एल की वैल्यू बताइए वन एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास जीरो प्लस हाफ इसके लिए टू वन माइनस वन प्लस मैंने क्या करा सारी वैल्यूज निकाले। भाई एल की वैल्यू माइनस वन जीरो प्लस वन होती है टेबल में मैंने बताया भी था तो आप किसी भी दो वैल्यू को बच्चे जब आप कंपेयर करते हैं किसी भी दो वैल्यू आप इसको कंपेयर कर लीजिए इससे क्या सारे सेम है टू टू वन वन माइनस वन जीरो चेंज हो गया एक वैल्यू चलो एक और इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की कंपेयर करते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं चलिए सोच के बताइए कि अगर मैं इसकी और इसकी वैल्यू कंपेयर करता हूं टू टू जीरो 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 जीरो, जीरो प्लस हाफ माइनस हाफ इट मीनस एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होगा ही होगा एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी बट स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो जाएगा एक स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज ये किसने बताया ये पाउली ने बताया चलिए बच्चे अगर हम पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के एक रूल पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं 2016 का देखो 2016 का क्वेश्चन आया है टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो भैया एक ऑर्बिटल का स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज एम एस एम एस की वैल्यू क्या होगी इसकी प्लस हाफ तो इसकी एम एस की वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ एंड द रेस्ट क्वांटम नंबर आर सेम ये किसने बताया था ये बताया था पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने तो ये किसकी हेल्प से पता चला हमें स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलेगा कि उनकी स्पिन अलग है आई थिंक समझ में आया हो अच्छा कौन सा रूल उसको बताता है कि ये ऐसा होगा ये बताता है पाउली एक्सक्लोजिव प्रिंसिपल मैंने अभी बताया आपको चलिए बच्चे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चलता है हमारे पास कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूं मैं ये आपको मैंने रूल बता दिया तो कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं लाइक like मेरे पास हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन दन एस टू नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ठीक है वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स अगर मैं नियोन के बाद बात करता हूँ आर्गन दैट इज टेन दैट इज अटीन दैट इज अ टू वन एस टू टू एस टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स के बाद क्या आएगा क्रिप्टन एटीन के बाद आता है थर्टी सिक्स वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन 4S2, 3D, 10, 4P, ये कहा से वही ऑर्डर लिखाया था वही ऑर्डर फॉलो किया है मैंने अब राइट right नाउ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अब बार बार हमें बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने होते हम क्या करते हैं हमें जैसे सपोज इट सपोज इट मेरे को आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एफ पहले मैं बड़ा वाला लिख के दिखाता हूं हमारे पास अगर मैं पहले बड़ा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 इसका एटॉमिक नंबर है 26 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इससे पहले यहां तक नोटिस करो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अभी मैं पेज पलट के आपको दिखा देता हूं तो क्या ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे जब कभी आप इन फ्यूचर लिखेंगे तो दीज एटीन इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम क्या लिख देंगे एफ ई इज इक्वल टू आर्गन और आर्गन के साथ हम क्या लिखेंगे आर्गन के साथ हम लिखते हैं इसके बाद लिखेंगे फोर एस टू थ्री डी सिक्स फोर एस डू फोर एस टू थ्री डी सिक्स बेटा अब हमारे पास आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखेंगे चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ और चीजें बताता हूं कि जैसे कि मेरे पास कुछ एग्जांपल मैं और लेता हूं मैंने एग्जांपल लिए मैंने बोला बेटा मैंने लिए हैं एक तो लिया मैंने स्कैंडियम स्कैंडियम एटॉमिक नंबर ट्वेंटी वन यानी कि आर्गन गन फोर एस टू थ्री डी वन अब हम लिखते हैं लिखते हैं सेकेंड हमारे पास आ, अगर हम लिखते हैं एम एन पच्चीस यानी ट्वेंटी फाइव आर फोर एस टू थ्री डी फाइव अगर हम और बात करते हैं तो लाइक का हमने लिखा निकल निकल आता है आरगन फोर एस टू थ्री डी एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिकेशन बिकॉज ट्वेंटी एट लाइक जिंक जिंक इज थर्टी तो अगर हम थर्टी का लिखते हैं तो जिंक हमारे पास आता है आरगन फोर एस टू थ्री डी एट टेन बच्चों अब हमारे पास क्या आता है कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं हमें एग्जिस्ट हमें लिखना है क्रोमियम का ट्वेंटी फोर अगर हम इस ऑर्डर पे चलें तो होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू होना चाहिए ये दिस इज रॉन्ग 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 सो वट इज द राइट फिर राइट right क्या है अगर हम राइट right लिखते हैं तो क्रोमियम का हम एक्सपेक्ट करते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन और थ्री डी फाइव अभी हम इसकी बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे अगर हम बात करते हैं बेटा कॉपर की तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यह बोलेंगे दिस इज द राइट वन आर आई जी एच टी अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेंटी नाइन तो इसको लिखते हैं तो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी नाइन होना चाहिए ये बट ये क्या है ये वाला रॉन्ग है रॉन्ग है तो फिर क्या होगा रॉन्ग है तो सही हमारे पास अगर लिखेंगे तो राइट एक्स रा, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कॉपर ट्वेंटी नाइन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस वन थ्री डी टेन ठीक है थ्री डी टेन तो बेटा अब हमारे पास ये चीज समझ में आई ये हमारे पास राइट वन है दिस इज द राइट वन ये हमारे पास राइट है अब ये राइट है तो क्यों है चलिए मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूं एक्चुअली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स को चलिए अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा लिखता हूं तो यह था आर्गन और अगर मैं क्रोमियम को लिखता हूं तो क्रोमियम हमारे पास होता है आर्गन फोर एस वन और थ्री डी फाइव एक्चुअली बच्चे ये क्या हुआ दिस इज द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। अगर इसकी बात करता हूं तो ये हाफ फिल्ड होता है एक्चुअली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ दिस टू रीज़न। एक तो सब में सिमेट्रिकल बराबर मतलब हर ऑर्बिटल के हिस्से में बराबर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना किसी की में कम ना किसी के में ज्यादा

हमारे पास क्या हो जाता है कि इन कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है इसको एज ए एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर हो गया ओके राइट नाउ एक छोटा सा टॉपिक लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन जैसे कि मान लो मैंने लिखा एफ टू प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप पहले क्या करेंगे आप अपने पहले आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलेगा वन अगर हम वही लिखते हैं दैट इज द आर्गन फोर एस टू थ्री डी सिक्स अच्छा फोर्थ दिस इज अ फोर्थ शेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब अब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आउटर मोस्ट शेल से सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास सबसे पहले वो निकलेंगे देन उसके बाद इन निकलेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लें तो किससे निकलेंगे आरगन थ्री डी सिक्स अरे कुछ आया समझ में मैंने क्या बताया यहां पर मैंने ये बताया कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम अब एनर्जी ऑर्डर नहीं देखेंगे हम क्या देखेंगे हमें आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने अब आउटर मोस्ट शेल से हमने इलेक्ट्रॉन तो चलो मैंने एक बार और एक चीज और पूछी आपसे कि भाई मेरे पास एन आई टू प्लस का और बताइए क्या होगा पहले आप क्या करोगे Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे एंड Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास क्या हो गया R S2, 3 4s 2 3d 8 एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहले आप ये निकालेंगे तब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन argon फोर एस जीरो बच्चों एट आया कुछ समझ में चलिए आपको का आ गया एक बार एनायन का भी बता देते हैं अगर हम एनायन की बात करते हैं बेटा तो एनायन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आना चाहिए जैसे एनायन लेट सपोज मैंने सी माइनस लिखा तो आप क्या करोगे सीएल का लिखोगे पहले वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स नहीं थ्री पी सिक्स नहीं थ्री पी फाइव अच्छा अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है या फिल करना है अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो फिलिंग का रूल तो अपना वही अफवाह प्रिंसिपल चलाना है फिलिंग में कोई अलग से नहीं सोचना है तो फिलिंग के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है यहां पर कुल मिला गए टोटल इलेक्ट्रॉन इज़ इज़ इक्वल टू प्लस और आप इलेक्ट्रॉनिक कितने ये, तो ये हुई पूरी स्टोरी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा मैंने इस पर इतना जोर देते हुए क्यों बताया देखो तो इस पर क्या होता है कि आपसे एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका अगर पूछा भी जाता है तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का पूछा जाएगा बट दिक्कत क्या है मतलब बात क्या है कि इसको इतना डिटेल में इतना फोकस करके समझाने का रीजन क्या है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन लिखना नहीं आएगा तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक इनको समझना मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनिक का बेसिक समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होगा तो काफी चैप्टर्स में जिनमें इसका इस्तेमाल होना है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे समझ में आया कि क्यों जरूरी है चलिए बच्चे अब एक छोटा सा एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है दैट इज नोट्स एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास नोट्स Notes, होते क्या है नोट्स मीन वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होती है आप इसको ज्यादा मत सोचो दो टाइप के नोट्स होते हैं एक होता है रेडियल नोट इसी को स्पेरिकल नोट बोला जाता है दूसरा होता है एंगुलर नोट और हमारे पास इसी को बोला जाता है नोडल प्लेन अगर आपको इस रेडिकल रेडियल नोट मीन आपको रेडियस के अलोंग चलने पर कहीं पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो मिलती है तो रेडियल नोड मिलते हैं अगर किसी में कोई प्लेन पास हो सकता है अच्छा मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं एक बीच में पेज ऐड हो गया है, गलती से। ये जो है यहां पर देखो ये एरिया जो है, जहां जीरो हो रही है। ये व्हाइट व्हाइट एरिया जो निकल के आ रहा है ये है हमारे पास रेडियल नोड अच्छा ये पी ऑर्बिटल का डायग्राम है यहां पर एक प्लेन पास हो रहा है ये ये जो प्लेन पास हो रहा है दिस इज नोन एज ए नोडल प्लेन नोडल प्लेन और ये जो हमारे पास है इसी को बोला जाता है एंगुलर नोड हमें क्या मतलब आपको ये बताना था ये होता क्या है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है रेडियल नोड इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एंगुलर नोड इज इक्वल टू एल अगर मैं दोनों को ऐड कर दू टोटल नोड कितने हो गए टोटल नोड अगर मुझे निकालने हैं टोटल नोड इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल भाई रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड ऐसे लिख लो चाहे तो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड आप चाहे तो इसे ऐसे लिख भी ले तो क्या हो जाएगा बेटा एन प्लस एल माइनस वन सॉरी एल माइनस एल माइनस वन और यहां से आएगा प्लस एल तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या हो गया एन माइनस वन सो वट इज टोटल नोट टोटल नोट इज एन माइनस वन चलिए इस पर बेस देखो लेटेस्ट ही एक क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज अ हैविंग थ्री एंगुलर नोट एंड थ्री टोटल नोट उसके पास तीन ही एंगुलर नोट है और तीन ही टोटल नोट है आइए वन बाई वन निकालते हैं एंगुलर नोड किस पे डिपेंड कर रहे थे एल पर चलिए फाइव पी अगर मैं एंगुलर नोड की बात करता हूं फाइव पी के लिए एल यानी कि वैल्यू आ गई अच्छा टोटल नोड अगर मैं निकालू टोटल नोड का जो सम है दैट इज दाइनस वन यानी कि फाइव माइनस वन दट इज पहला क्राइटेरिया हमारे उसमें नहीं आ रहा फिट चलिए ए ऑप्शन के लिए मैंने निकाल लिया हम करते हैं बात बी ऑप्शन की थ्री डी थ्री डी यानी कि एंगुलर नोड अगर मैं निकाल लू बेटा तो एंगुलर नोड मेरे पास आता है एल और एल की वैल्यू आ गई हमारे पास टू यानी कि कुल मिला के मेरे पास क्या हो गया ये टू आ गया अच्छा टोटल नोड अगर मैं टोटल नोड निकालू तो एन माइनस वन दैट इज अ थ्री माइनस वन दैट इज अ टू अच्छा आपने सोचा मैंने इतना निकाला जरूर आपको दिखाने के लिए आप खुद ही देखो एंगुलर नोड थ्री है यानी कि ऑर्बिटल क्या रहा होगा एफ पूरे उसमें ए की ऑप्शन है एफ चलो फिर भी, भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं सी अगर मैं फोर एफ की बात करता हूं एंगुलर नोड एंगुलर नोड कितने एल यानी कि थ्री और टोटल नोड टोटल नोड यानी कि एन माइनस वन दैट इज अ फोर माइनस वन दट इज अ थ्री आया कुछ समझ में देखो ये लेटेस्ट दो का क्वेश्चन है आप खुद ही देख सकते हैं मैंने मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिक किया हुआ है आप इनको देखिए पढ़िए और समझिए चलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को थैंक यू गाइज